अरे अरे बस 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 ओके गुड आफ्टरनून सो आर यू रेडी लेट्स स्टार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे और यूनिट थर्ड बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम्स में आते हैं तो इसको हम बेसिक समझेंगे कि आपको एग्जाम में यदि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया कि सरफेस टेंशन और इंटरफेस या इंटरफेसियल फिनोमेना क्या है और आपको आ गया सरफेस फ्री एनर्जी क्या है तो उसको एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को हम समझेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालने आप लोग सरफेस एंड इंटरफेस सरफेस एंड इंटरफेस साथ में हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका सरफेस फ्री एनर्जी सरफेस फ्री एनर्जी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सरफेस फ्री एनर्जी ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जो दूसरे क्वेश्चंस कई बार जो आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं जैसे कि मेथड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन तो उसके साथ में ये ऐड ऑन होकर आ जाता है और पहला क्वेश्चन ही कई बार ये बन जाता है एक्सप्लेन सरफेस फ्री एनर्जी और उसके बाद में उसका दूसरा क्वेश्चन आप रिपीटेड जो पुराने क्वेश्चंस पेपर देखेंगे ना तो उसमें इस तरीके का दिया रहता है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सरफेस क्या है सरफेस जनरली क्या है कोई भी आपका सॉलिड है लिक्विड है उसकी आउटर सरफेस क्या है दैट इज सरफेस तो सरफेस को हम डिफाइन करने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि सॉलिड और गैस जो इंटरफेस है वो क्या है सॉलिड सरफेस है और जो लिक्विड और गैस इंटरफेस है वो क्या है तो यहां पर हम इंटरफेस को सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको इंटरफेस तो इंटरफेस को हम डिफाइन करेंगे तो जनरली इंटरफेस क्या है दो फेज जो है मतलब दो फेज है दो अवस्थाएं हैं या कोई भी दो चीज सेपरेट है उनके बीच का जो फेज है वो आपका इंटरफेस कहलाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे इट इज द बाउंड्री इंटरफेस क्या है बाउंड्री है ठीक है ना बाउंड्री बिटवीन टू फेज बाउंड्री बिटवीन टू फेज दो फेजेस के बीच में बाउंड्रीज होना इसको हम बोलते हैं इंटरफेज अब हम डिफाइन कर देंगे सबसे पहले सरफेस और इंटरफेस को कि आपका सरफेस और इंटरफेस जनरली यदि आपको एग्जाम में डायरेक्ट आता है तो आप इंटरफेस को डिफाइन करने से पहले आप ये भी बता सकते हैं कि सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन या सरफेस एंड इंटरफेसियल फेनोमेना इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म जो आपके फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एवेल्युएशन ऑफ डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म एंड एवेल्युएशन ठीक उसके बाद में आप आंसर क्या करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट सरफेस एंड इंटरफेस क्या डिफाइन करना है आपको सरफेस और इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले बताएंगे सॉलिड सरफेस किसको बताएंगे सॉलिड सरफेस जनरली गैस और गैस के बीच में इंटरफेस नहीं होगा क्योंकि गैस ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होती है तो उसमें हम कोई इंटरफेस नहीं जनरली देखते हैं वो उसमें नो इंटरफेस जनरली इंक्लूडेड किया जाता है तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि देर इज नो इंटरफेस एग्जिस्टेंस ऑफ नो एनी इंटरफेस तो गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरफेस नहीं होगा जैसे मान के चलो ये आपका एक सॉलिड पार्टिकल्स है ठीक है तो इसके चारों ओर क्या है आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो गैस के मॉलिक्यूल में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जितना सॉलिड सॉलिड के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जनरली ये क्या कहलाती है आपकी ये सॉलिड सरफेस कहलाती है क्या कहलाएगी आपकी सॉलिड सरफेस सरफेस तो सॉलिड सरफेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द इंटरफेस बिटवीन द सॉलिड एंड गैस एग्जाम में कैसे बताना है सॉलिड सरफेस इज द आउटर सरफेस ऑफ द सॉलिड सरफेस इज व्हाट आउटर सरफेस ऑफ द सॉलिड की जो आउटर सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड सरफेस बट इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ठीक है ना इसको लिख लें आप लोग इट इज द इंटरफेस बिटवीन गैस एंड सॉलिड गैस और सॉलिड के बीच के इंटरफेस को भी हम क्या बोलते हैं आपका सॉलिड सरफेस फिर दूसरा आपका पूछा जाता है लिक्विड सरफेस दूसरा क्या पूछा जाता है लिक्विड सरफेस जैसे कई बार क्या होता है कुछ गैस जो है एड्सॉर्ब हो जाती है सरफेस में तो वो भी एक गैस और सॉलिड इंटरफेस बनाते हैं ठीक है ना गैस एड्सॉर्ब ऑन टू द सॉलिड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड गैस इंटरफेस उसके बाद में नेक्स्ट है आपका लिक्विड सरफेस लिक्विड सरफेस की बात करें तो आपका कोई लिक्विड है एक ही लिक्विड है तो ये क्या कहलाएगा वन फेज एक ही लिक्विड है तो क्या कहलाएगा वन फेज यदि दो लिक्विड है तो क्या कहलाएगा
क्यों कहलाएगा? दो लिक्विड है तो टू फेज क्यों कहलाएगा? यदि वो टू फेज तभी कहलाएगा जब वो दो लिक्विड आपस में मिसिबल नहीं होंगे, तभी टू फेज कहलाएगा ना। आपने यदि वाटर और एल्कोहल को मिलाया तो वाटर और एल्कोहल तो पूरे प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएगा, फिर से वो मोनो हो जाएगा, एक साथ दिखने लगेगा। हाँ, उसमें दो लिक्विड है कॉम्पोनेंट, लेकिन दो फेज नहीं है। आ रहा समझ में? तो ये क्या है, अभी एक ही लिक्विड है और ये इसका सरफेस है, लिक्विड सरफेस। तो ये आपका क्या कहलाएगा? लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस को भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिक्विड सरफेस, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, बिटवीन लिक्विड एंड गैस। गैस और लिक्विड के इंटरफेस को भी हम क्या बोलते हैं? क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि बाउंड्री हो ही ना वहां पर, हमेशा बाउंड्री तो होगी ना, इसके बाहर एयर की बाउंड्री है, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी एक इंटरफेस है जनरली। लेकिन हम यहाँ पर गैस के इंटरफेस को उतना, गैस के फेस को हम यहाँ पर लाइक नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये आपका कहलाया गया लिक्विड सरफेस और ये सॉलिड सरफेस। तो दो सरफेस हैं आपकी। फिर आपको बताना है इंटरफेस। तो इंटरफेस में आपका जो है लिक्विड इंटरफेस हो जाएगा। लिक्विड इंटरफेस हमेशा क्या होगा? बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड के बीच का जो इंटरफेस होता है वो क्या कहलाता है आपका? जैसे एक लिक्विड यहां पर है, एक, और दूसरा लिक्विड नीचे है। दूसरा लिक्विड कहां है? नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जैसे मान के चलो यहां पर है ऑयल आपका और यहां पर है आपका वाटर। तो ऑयल और वाटर मिक्स्ड हो जाएंगे क्या आपस में? तो आपको बताना है लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस में आपका ऑयल एंड वाटर। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी दे सकते हैं, इमल्सन एक एग्जाम्पल है जिसमें लिक्विड लिक्विड आपके दो फेज होते हैं और उसमें इंटरफेस होता है। कभी भी ऑयल के ग्लोब्यूल इमल्सन में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, वो डिस्पर्स्ड रहते हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हमेशा लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, हमेशा आपके लिक्विड जो ड्रॉपलेट है और जो उसका सॉल्वेंट है उसमें हमेशा बाउंड्री रहती है, और जितने अच्छे से उनमें डिस्पर्जन होगा वो स्टेबल इमल्सन कहलाएगा। तो लिक्विड लिक्विड इंटरफेस किसमें हो जाएगा आपका? इमल्सन। फिर आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, फिर क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस में क्या हो जाएगा आपका कि जो आपका कोई लिक्विड है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड है। सॉलिड पार्टिकल्स क्या है? सस्पेंडेड है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड होते हैं। तो ये हमने सरफेस और इंटरफेस के बारे में बता दिया, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपका यही बोलती है सरफेस और इंटरफेस क्या है। तो आपके दो सरफेस यहां पर, सॉलिड सरफेस और दूसरा लिक्विड सरफेस, और यहां पर इंटरफेस कितने हो गए आपके? यहां पर दो इंटरफेस को आपको एक्सप्लेन करना है। लिक्विड लिक्विड इंटरफेस एग्जाम में हमको बताना है ना, तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विड लिक्विड इंटरफेस में आपका लिक्विड ऑयल है और वाटर है, तो इसके बीच की जो बाउंड्री है दैट इज इंटरफेस। इसमें यहां पर इंटरफेस लिख लेना, और यहां पर ये सॉलिड और लिक्विड के चारों ओर क्या है? इंटरफेस है। तो इंटरफेस कितने हो गए, ठीक है ना, इंटरफेस सॉलिड लिक्विड और हाँ, तो इंटरफेस में आपका क्या हो जाएगा? इंटरफेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरफेस बाउंड्री है आपके दो सरफेस के बीच की बाउंड्रीज है। क्या गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरफेस होगा? नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरफेस हम नहीं स्टडी करेंगे। लिक्विड लिक्विड इंटरफेस और आपका सॉलिड 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 लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड इंटरफेस भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली आपको पढ़ना क्या है? लिक्विड इंटरफेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? लिक्विड इंटरफेस के बारे में पढ़ना है। लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन, तो आपको ये चीजें सरफेसेस पता होना चाहिए और ये चीज भी आपको बताना है। एग्जाम में ये डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को समझाने के लिए जनरली हम यदि सरफेस टेंशन की बात करें तो आपका जो सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई होगा बाय द सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, बल्क मॉलिक्यूल अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड पुल, जिसके कारण उसके सरफेस में क्या होगा? एक टेंशन जनरेटेड होगा, दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, ठीक है ना। या उसके जो साइड साइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके कारण क्या होगा? एक तरीके का फोर्स। यदि इसको हमको डिफाइन करना हो, सरफेस टेंशन को डिफाइन करना हो, तो लिख लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इन नेबरहुड,
इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन बिटवीन मॉलिक्यूल ठीक। अब ये जो डेफिनेशन लिखी है इसको हम समझते हैं ठीक, और इसको आपको एग्जाम में एक्सप्लेन भी करना है सरफेस टेंशन को। ये जितने भी डायग्राम्स बना रहा हूं आपको एग्जाम में ये डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना है ठीक है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी इंटरमॉलिक्यूलर सॉरी सरफेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब आपस के दो मॉलिक्यूल्स में, नेबरहुड मॉलिक्यूल मतलब आजू बाजू के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक फोर्स लग रहा है। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो दो चीजें आपको बताना है, ये आपके मॉलिक्यूल हैं टू द सरफेस, ये कहाँ के मॉलिक्यूल हैं आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स आपके नीचे भी होंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके बल्क के मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे ठीक इन अ लिक्विड, क्योंकि आपको पूछा गया है लिक्विड सरफेस के बारे में और लिक्विड इंटरफेस के बारे में। तो ये दो लिक्विड नहीं है, बस सरफेस के मॉलिक्यूल्स को मैंने नीली उससे बना दिया है और बल्क के मॉलिक्यूल को आपने क्या बता दिया है ठीक। सरफेस टेंशन को आपको डिफाइन करना है, तो सरफेस टेंशन को आप डिफाइन कैसे करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इन नेबरहुड। देखो आपका आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देयर इज अ टू कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इन बल्क, बल्क मतलब जो बीचों बीच मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल इन बल्क और मॉलिक्यूल इन सरफेस, मॉलिक्यूल इन आपके बल्क और मॉलिक्यूल इन सरफेस। फिर आपको बताना है देयर इज अ टू काइंड ऑफ फोर्स ठीक है ना, यहां पर दो तरीके के फोर्स हैं आपके ठीक, मॉलिक्यूल इन बल्क। पहले हम किसको एक्सप्लेन कर देंगे, मॉलिक्यूल इन बल्क, जो बल्क में मॉलिक्यूल है, वन सेंटर मॉलिक्यूल इन बल्क ठीक है ना, सराउंडेड बाय फोर मॉलिक्यूल्स, मतलब चारों तरफ से क्या है सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये पास पास होंगे। एक सेंटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, इन आपको ये एक्सप्लेन करना एग्जाम में, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क इज सराउंडेड बाय, मतलब सराउंडेड बाय मतलब इन होल डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको खींचेगा, ये इसको, या सेंटर की ओर भी फोर्स लग रहा होगा। तो एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, नीचे से खींच रहा होता तो एक तरफ का फोर्स लगता, लेकिन ये नीचे से भी एक मॉलिक्यूल से खींच रहा है, ऊपर से भी एक मॉलिक्यूल उसको खींच रहा है, साइड में भी उसमें फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी, तो इक्वल फोर्स कितना हो गया इसमें, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से, सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से। यही चीज आपको सरफेस फ्री एनर्जी में भी मदद करेगा, जब सरफेस फ्री एनर्जी को डिफाइन करेंगे ना तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको डिफाइन करना है। सरफेस फ्री एनर्जी को भी जब आप डिफाइन करेंगे तो सरफेस टेंशन को बताते हुए आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि मॉलिक्यूल बल्क में क्या होता है, सराउंडेड होता है चारों तरफ से, और उसमें जो फोर्स अप्लाई कर होता है वो चारों तरफ से लगता है, जिसके कारण नेट फोर्स उसमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जब हम सरफेस के मॉलिक्यूल, सेकेंड आप क्या बताएंगे, मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस, मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सरफेस, जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस में प्रेजेंट होता है ठीक, तो इसमें क्या होगा, एडजेसेंट मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा, यहां पर बना देते ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल है, इसमें क्या होगा साइड, ये जो एक मॉलिक्यूल है इसमें ये साइड का फोर्स अप्लाई होगा और इसमें इस साइड का फोर्स अप्लाई होगा, और एक फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होगा ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या बताना है, डाउनवर्ड फोर्स भी अप्लाई हो रहा था, अपवर्ड फोर्स भी अप्लाई हो रहा था, और एडजेसेंट मॉलिक्यूल के द्वारा भी लेफ्ट और राइट दोनों के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा था, जिसके कारण नेट फोर्स उसमें जीरो हो जाता था। लेकिन अब यहां पर क्या है, सरफेस आपका फ्री है, सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, तो यहां साइड में फोर्स लग रहा है, यहां साइड में फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, एक तरीके का पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और साइड में भी क्या हो रहा है, एक तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है,
जिसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरीके की एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होगा, एक तनाव जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा. सो दिस इज कॉल्ड द सर्फेस टेंशन. तो सर्फेस टेंशन का कारण क्या है आप ये बता सकते हैं, द कॉज ऑफ सर्फेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द डाउनवर्ड मॉलिक्यूल. जो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल है उनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके कारण जो आपके सर्फेस के मॉलिक्यूल है वो मिनिमम अपना सर्फेस करने की कोशिश करते हैं. वो अपना सरफेस क्या करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम खींचने की कोशिश करते हैं, और एडजेसेंट मॉलिक्यूल के द्वारा भी फोर्स लग रहा है तो उसके कारण एक टेंशन जनरेट हो जाता है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं. तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इन नेबरहुड. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मॉलिक्यूल के आपस में लगने वाला फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में फोर्स लग रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप आगे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये दो तरीके का हो सकता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मे बी ऑफ टू कैटेगरी. यहां पर किसी को कोई डाउट समझ में आया, सरफेस टेंशन क्यों है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखें कि सरफेस के मॉलिक्यूल में अपर साइड में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, और गैस के मॉलिक्यूल्स में इतनी ताकत नहीं है कि उसको अपवर्ड पुल कर सके एज कंपेयर टू द लिक्विड. लिक्विड के मॉलिक्यूल की तुलना में उतना फोर्स नहीं होता है, तो नीचे के मॉलिक्यूल पुल कर रहे हैं उसको, इसके कारण सरफेस के मॉलिक्यूल में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, दैट बी कॉल्ड द सरफेस टेंशन. और इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, सरफेस टेंशन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द नेबरहुड. कोई डाउट किसी को, सभी को समझ में आया? ठीक, तो कोई पूछेगा व्हाट इज द कॉज व्हाट मे बी द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो क्या बताएंगे आप? ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट टू द डाउनसाइड एंड एडजेसेंट मॉलिक्यूल, जिसके कारण सरफेस में क्या होता है, एक तरीके का टेंशन जनरेट होता है, दैट वी कॉल द सरफेस टेंशन. ठीक, अब नेक्स्ट आपको बताना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरीके का हो सकता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मे बी ऑफ टू टाइप. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, दो कैटेगरी का होता है. एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स. एक क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडहेसिव फोर्स. जैसे मान के चलो एक ही लिक्विड है, तो एक ही लिक्विड के बीच में लगने वाले मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, तीन, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए, तो हम उनको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूल, आपस के मॉलिक्यूल्स, इंटर मॉलिक्यूल. तो इंटर मॉलिक्यूल्स यदि एक से हैं, मतलब जैसे वाटर ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके आपस में लगने वाला जो फोर्स है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं फोर्स, ठीक है ना, इन लाइक मॉलिक्यूल्स. लाइक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एक से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हम उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं. जैसे पूरे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स. ठीक, और एडहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, जैसे मान के चलो एक तरफ आपका वाटर है और एक तरफ बेंजीन है. एक तरफ क्या है आपका, वाटर, और एक तरफ बेंजीन है, तो इन दो के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स. आया समझ में? दो डिफरेंट लिक्विड हैं, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स, और लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स. ठीक, अब ये भी बता देना कि यूनिट क्या होती है इसमें, है ना, यूनिट ऑफ सरफेस और इंटरफेस, इंटरफेसियल टेंशन को डिफाइन कर ले हम लोग. डाइन पर सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना, डाइन पर सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट आपकी डाइन पर सेंटीमीटर. सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन की यूनिट क्या होती है, डाइन पर सेंटीमीटर. तो क्या क्या चीज अभी आपने बताया, सरफेस क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होता है, फिर लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड सरफेस, लिक्विड सरफेस. ठीक, उसके बाद में आपने क्या बताया, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स या टेंशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूल, या इसको हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना, बिटवीन मॉलिक्यूल इन नेबरहुड या एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है. अब नेक्स्ट लिखना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी इंटरफेसियल टेंशन. इंटरफेसियल टेंशन इंटरफेस, जब भी बात आएगी क्या होगा, सरफेस टेंशन ओनली सरफेस की बात कर रहे हैं. इंटरफेसियल टेंशन क्या हो जाएगा,
ये आपका एक लिक्विड है अपसाइड में और ये दूसरा लिक्विड है डाउन साइड में. इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेसियल टेंशन. तो इसको लिख लें, डायग्राम बना लें, फिर इसको लिख लें. फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ में एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस, जो कहां पर होगा, इंटरफेस में होगा, दो लिक्विड के बीच में, ठीक है ना. फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस. इसमें यह चीज बताना है कि इंटरफेसियल टेंशन हम बता रहे तो कहां पर होगा, जो कहां एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस, ठीक है ना. फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड. तीन पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, फर्स्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ, दूसरा पॉइंट एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस, तीसरा पॉइंट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड. पहला फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, बोलो इसको. ऐसे बोलोगे, एक रिदम में बोलो, फिर से स्टार्ट, ठीक. हमको मालूम है कि जो दो इंटरफेस के बीच में फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम इंटरफेसियल टेंशन बोलते हैं. लेकिन कुछ डेफिनेशंस आपको याद भी रखनी पड़ेगी ना, एग्जाम में कैसे लिखना है हम बता देंगे, सर ये हमने बना दिया ऊपर का लिक्विड नीचे का लिक्विड, सर दिस इज द फोर्स वी कॉल द इंटरफेसियल टेंशन. नो, फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड इंटरफेसियल टेंशन, उसको हम बोलते हैं इंटरफेसियल टेंशन, ठीक. इसकी भी यूनिट क्या है आपकी, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक. जो लिक्विड आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो वहां पर कोई इंटरफेसियल टेंशन नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, कोई इंटरफेसियल टेंशन नहीं होगा. तो एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक. अब मान के चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सरफेस और इंटरफेस, सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन, ये चार चीजें आपसे पूछी जाएगी तो बता दोगे क्या क्या बताओगे. जब हमसे पूछा जाएगा सरफेस और इंटरफेसियल फिनोमेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सरफेस एंड इंटरफेस, एग्जांपल सरफेस सॉलिड सरफेस, ठीक है ना, लिक्विड सरफेस, इंटरफेस लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, एग्जाम्पल दे दिया हमने, सरफेस को डिफाइन कर दिया, इंटरफेस बाउंड्री बिटवीन टू फेज, दो फेज के बीच में बाउंड्री. जनरली जो सरफेस है उसको भी हम सॉलिड सरफेस, उसको भी इंटरफेस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना. सॉलिड सरफेस क्या है, इट इज जस्ट अ इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस, लिक्विड ऑल्सो इंटरफेस, लिक्विड एंड लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस को भी हम इंटरफेस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि आपका लिक्विड और उसके ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल है उसके बीच में भी इंटरफेस गैस और लिक्विड का एग्जिस्ट करता है. लेकिन हम गैस को वहां पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस. फिर लिक्विड लिक्विड में एग्जांपल आप इमल्सन का बता देंगे, सॉलिड में सस्पेंशन, ये चीजें डिफाइन करेंगे एग्जाम में. फिर उसके बाद में सर्फेस टेंशन हम बताएंगे. सर्फेस टेंशन को डिफाइन करने की कई सारी डेफिनेशन है. टेंशन, जो टेंशन आपका सरफेस में है, मतलब टेंशन टू द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, उसी से डेफिनेशन बना दो. फोर्स बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल और ड्यू टू द डाउनवर्ड्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन. तो इस तरीके से आप कई डेफिनेशन बता सकते हो. उसमें फिर आपको क्या एक्सप्लेन करना है, मॉलिक्यूल इन द बल्क और मॉलिक्यूल इन द सरफेस. तो बल्क में चारों तरफ से उसमें फोर्स अप्लाई होगा जिससे उसका नेट, पूरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन सरफेस में हम बात करें तो ऊपर में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो वहां पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, डाउनवर्ड्स मॉलिक्यूल के कारण फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और एडजेसेंट मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण आपका जो सरफेस है वो आपका क्या करेगा, मिनिमम एरिया करने की कोशिश करेगा, अपना एरिया क्या करेगा, मिनिमम करने की कोशिश करेगा. इसी कारण वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है. वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है. क्यों, क्योंकि जो सेंटर में मॉलिक्यूल है, चारों तरफ सरफेस में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहां से खींचेगा ये, चारों तरफ अंदर से खींचेगा और बाहर से नहीं खींचेगा, तो ड्रॉपलेट्स कम से कम साइज लेने की कोशिश करेगी,
ड्रॉपलेट्स क्या करेगी, कम से कम साइज लेने की कोशिश करेगी। तो ये क्यों होता है, इसके कारण कारण है सरफेस टेंशन। फिर इंटरफेसियल टेंशन क्या है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ एट एग्जिस्टिंग एट इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, हम उसको इंटरफेसियल टेंशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को इफेक्ट करते हैं, ये एक पॉइंट हम और बता देंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो या जिनको नई चीजें लग रही हैं ये, तो वो ये ध्यान रखें, ये तो आपको एग्जाम में आएगा और ये चीजें बतानी है आपको, पता होना चाहिए ये चीजें आपको, ठीक। फैक्टर्स, फैक्टर में फर्स्ट लिखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, मतलब उस लिक्विड की ही प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि आपको क्या दिया है, आपके सिलेबस में पहले ही पॉइंट दिया है लिक्विड इंटरफेस, है ना, लिक्विड इंटरफेस दिया है, तो आप उसमें बता सकते हैं, लिक्विड इंटरफेस दिया है उसमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सिंपल है, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, तो उनमें क्या होगा, उनका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, यदि कम है तो कम होगा। एंड दिस इज द इंटरनल फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर। सेकेंड लिखें, एक्सटर्नल फैक्टर में सब्सटेंसेस, ठीक है ना, एक्सटर्नल फैक्टर में सब्सटेंसेस अफेक्ट सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, सब्सटेंसेस, ठीक है ना, दैट अफेक्ट सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो इसमें आपका पहला आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज अ सब्सटेंस, है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल, और दूसरा आपका सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे आपके कपड़ों में ऑयल होता है ना, या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आप नॉर्मल पानी से धुलोगे तो पानी और वो डस्ट पार्टिकल क्या हो गए, दो फेज हो गए ना, दो फेज हो गए, वाटर एंड ऑयल या डस्ट, तो इजीली नहीं छूटता है। हम क्या यूटिलाइज करते हैं, डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट करते हैं ना, तो डिटर्जेंट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर सब्सटेंस, डिटर्जेंट क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, एक सब्सटेंस है। तो पहला इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जनरली क्या होता है, आपका सरफेस और इंटरफेस में नो इफेक्ट होता है, ठीक है ना, लिमिटेड इफेक्ट होता है, लिमिटेड इफेक्ट, लिटिल इफेक्ट, एंड समटाइम्स कॉज अ स्लाइट इंक्रीज, समटाइम्स कॉज अ स्लाइट इंक्रीज। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका लिटिल इफेक्ट होता है आपके सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन में, और समटाइम्स क्या होते हैं, लिटिल, उसको स्लाइटली इंक्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। सरफेस एक्टिव एजेंट की बात करें तो आपका जो डिटर्जेंट है वो सरफेस एक्टिव एजेंट होता है एक तरीके का, उसमें होते हैं, जिस कारण से उनका सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन दोनों को कम कर देता है। आपके सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होंगे, सरफेस टेंशन को और इंटरफेसियल टेंशन को कम करेंगे। जनरली कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि सरफेस टेंशन की बात करें और इंटरफेसियल टेंशन की बात करें तो दोनों में बड़ा फोर्स कौन है, ये भाई कई बार MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, या ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि आपका जो सरफेस टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटरफेसियल टेंशन, ट्रू और फॉल्स, या इंटरफेसियल टेंशन इज ऑलवेज लेस देन द सरफेस टेंशन। पहले वही बात बोली थी मैंने, दूसरा सेंटेंस उसको रिपीट कर दिया, तो सरफेस टेंशन हमेशा ज्यादा होगा इंटरफेसियल टेंशन से, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कोहेसिव फोर्स दोनों लिक्विड में अप्लाई है और यहां पर एडहेसिव फोर्स है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस एक्टिव एजेंट क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे सरफेस टेंशन को, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखना टेम्परेचर, थर्ड क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन हमेशा कम होगा, क्यों होगा उसका रीजन भी आप बता देना। एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज सर्फेस टेंशन विल डिक्रीज, ठीक है ना, सर्फेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से सर्फेस में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मूवमेंट होगा, जिसके कारण उनका सर्फेस टेंशन कम हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सब्सटेंसेस, और तीसरा टेम्परेचर, फर्स्ट, हाँ,
फिर फिर नेक्स्ट आप हेडिंग डालें सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, है ना। सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी को समझने के लिए थोड़ा सा हम फिर से एक एग्जांपल समझते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स आपकी बनती है, जैसे ये मान के चलो ये ड्रॉप है, ठीक है ना। तो ड्रॉप क्या करती है, स्फेरिकल शेप होने की कोशिश करती है, तो सभी को मालूम है। ये जो सरफेस है, मान के चलो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा और एडजेसेंट मॉलिक्यूल के कारण क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ऐसा लिखें, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस formation of surface due to force applied by downwards molecule, ठीक है ना, molecule present to the bulk and adjacent molecule, ठीक है ना। surface बन क्यों रही है, surface बन क्यों रही है, फॉर्मेशन ऑफ सरफेस फॉर्मेशन ऑफ सरफेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द डाउनवर्ड्स मॉलिक्यूल और एडजेसेंट मॉलिक्यूल। समझ में आया, सरफेस का फॉर्मेशन ही क्यों होता है, ठीक है ना। अब इसको समझे, जनरली ये तो हमको बात मालूम है कि फोर्स अप्लाइड होता है, या एक ड्रॉपलेट की बात करें तो उसमें चारों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ड्रॉपलेट्स बड़ी होने की कोशिश करेगी कि छोटी होने की कोशिश करेगी, ड्रॉपलेट्स क्या करेगी, मिनिमम सरफेस। तो दिस कॉज, ठीक है ना, ये कारण किस चीज का होता है, दैट प्रोड्यूसेस द मिनिमम फ्री सरफेस। ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस मिनिमम फ्री सरफेस, दिस कॉजेस मिनिमम फ्री सरफेस ठीक। उसके कारण से क्या होगा, मिनिमम फ्री सरफेस, एंड दिस मिनिमम फ्री सरफेस, जितना उसका फ्री सरफेस मिनिमम होगा, मिनिमम सरफेस फ्री एनर्जी, मिनिमम सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस जितना ज्यादा होगा उसकी सरफेस एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं आपका सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन में। तो सरफेस बन किस कारण से रहा है, आपको पता है ड्रॉपलेट्स का साइज, ड्रॉपलेट हमेशा छोटी होने की कोशिश करती है मिनिमम। तो आपको पहले यह बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ सरफेस, क्योंकि आपको फ्री एनर्जी बताना है सरफेस की, फ्री एनर्जी, तो सरफेस या फ्री सरफेस क्या है, कैसे बना, क्यों बना, कि एक मॉलिक्यूल में जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल या डाउनवर्ड्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के कारण जो फोर्स अप्लाइड होता है, उसके कारण कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, टेंड टू टेक मिनिमम फ्री सरफेस, वो मिनिमम फ्री सरफेस लेने की कोशिश करता है, और उसका जितना ज्यादा मिनिमम फ्री सरफेस होगा उसमें क्या होगा, मिनिमम सरफेस फ्री एनर्जी होगी, ठीक। इस पॉइंट को लिख लिया, फिर नेक्स्ट लिखना सरफेस फ्री एनर्जी। तो सरफेस में क्या है, जब हम बल्क की बात करते हैं तो बल्क में कोई एनर्जी है क्या, बल्क का नेट फोर्स क्या हो गया था, जीरो हो गया था, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सर आपके इसके सरफेस में एक एनर्जी है ना, किस कारण से, फ्री सरफेस के कारण, फ्री सरफेस के कारण कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एनर्जी है या जिसके कारण सरफेस टेंशन जनरेट हो रहा है। तो मिनिमम फ्री सरफेस एरिया जितना कम होगा, मिनिमम सरफेस फ्री एनर्जी उसकी होगी, ठीक। तो अब इसको डिफाइन करना है, सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक, सरफेस फ्री एनर्जी, इट इज द एक्सेस एनर्जी कंपेयर टू द बल्क ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। सरफेस फ्री एनर्जी क्या है, एक्सेस एनर्जी, एक्सेस एनर्जी कंपेयर टू द बल्क ऑफ द मटेरियल, बल्क ऑफ मटेरियल की बात करें तो उससे ज्यादा क्या है, ये
बल्क से एक्सेस की जो एनर्जी है वही सरफेस फ्री एनर्जी होती है। तो बल्क में वो एक्सेस एनर्जी कहां से आई ये हमको पता चला, क्योंकि सरफेस में एक तरीके का टेंशन जनरेट हो रहा है, उसके कारण वो मिनिमम सरफेस करने की कोशिश करता है और वो मिनिमम सरफेस फ्री एनर्जी होती है उसके कारण। तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या हो गई, एक्सेस एनर्जी, ठीक है ना, कंपेयर टू द बल्क ऑफ द मटेरियल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द फ्री सरफेस, ठीक है। और जो ये सरफेस फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज ऑफ द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का साइज जितना होगा। फ्री सरफेस का साइज जितना होगा उतनी ज्यादा सरफेस फ्री एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड इट इज कॉल्ड द सरफेस। ठीक, फिर इसको मैथमेटिकली भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जनरली यदि हम देखें सरफेस फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सरफेस फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका W इज इक्वल लैम्डा डेल ए, ठीक है ना, W इज इक्वल लैम्डा इंटू डेल ए, ठीक। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे आया, ये किस तरीके से आया, मतलब आपको किसी चीज की सरफेस फ्री एनर्जी मेजरमेंट करना है। सरफेस फ्री एनर्जी समझ में आया ना, सरफेस फ्री एनर्जी है क्या, जनरली आपका एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मिनिमम सरफेस करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाई सराउंडेड मॉलिक्यूल्स, या उसके चारों जो मॉलिक्यूल उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, मिनिमम सरफेस, फ्री सरफेस मिनिमम करने की कोशिश करता है। और मिनिमम सरफेस होगा तो उसकी फ्री सरफेस एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, सरफेस एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी द एक्सेस एनर्जी एज कम्पेयर टू द बल्क मटेरियल, जो मटेरियल बल्क में, क्यों, क्योंकि बल्क में चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो नेट उसका जो फोर्स होगा, जो उसमें टेंशन होगा, वो जीरो हो जाएगा, लेकिन सरफेस में कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, तो वही आपकी सरफेस फ्री एनर्जी है, जो कि क्या होगी, सरफेस फ्री एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल में होगी। हाँ, अब इट कैन बी डिफाइंड एज W इज इक्वल, अब W क्या है ये लिख लें, W इज द वर्क डन, W वर्क डन, डेल ए लिखना चेंज इन द एरिया, चेंज इन द एरिया या तो इंक्रीज इन एरिया, और गामा लिख लेना सरफेस टेंशन इन डाइन पर सेंटीमीटर, इन डाइन पर सेंटीमीटर। कौन है भैया ये, हाँ क्या कर रहे हो। जनरली ये कैसे निकलता है, यदि हमको किसी चीज की सरफेस फ्री एनर्जी मेजरमेंट करना है तो उसमें कितना तनाव है उसको पता करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये एक लिक्विड है, इसके सरफेस में क्या होगा, और इसके सरफेस की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सरफेस फ्री एनर्जी। मान के चलो यहां पर हमने एक एक वायर को हमने इसमें अप्लाई किया, इसमें क्या किया, वायर को हमने इसमें अप्लाई किया, तो वायर को जब हम खींचेंगे तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, उसमें फोर्स अप्लाई होगा, उसमें क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। मान के चलो हम इसको खींचें तो क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को हम यदि मेजर कर लें वो किसके इक्वल होगा, सरफेस फ्री एनर्जी के। तो इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें डेल एक्स, वो इसका क्या होगा, इसमें एक तरीके का चेंज आएगा। और ये सॉरी लेंथ मान के चलो इसकी एल है, तो ये क्या हो जाएगा, दो एक, मतलब यदि इसको खींचेंगे तो दो इसकी हो जाएंगी ना लेंथ, मतलब L और L इसको भी लेंगे, इसका पूरा सरफेस एरिया यदि हमको मेजर करना होगा। और किसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी लिख लें आप लोग, हमको वर्क करना पड़ेगा, दैट वुड बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाई किया गया और कितना सरफेस उसका चेंज हुआ, डेल एक्स। यदि हमको उस सरफेस फ्री एनर्जी को मेजरमेंट करना है तो वर्क डन
किसके बराबर होगा, फोर्स कितना हमने अप्लाई किया है। यदि हमको मेजरमेंट करना सरफेस फ्री एनर्जी का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक वायर से। यदि हम इसमें एक रेक्टेंगुलर वायर ऐड करेंगे और उसको खींचेंगे, तो सरफेस के कारण फोर्स अप्लाई होगा, और यदि उसको खींचेंगे तो लिक्विड ऊपर आने की कोशिश करेगा और ये कुछ शिफ्ट होगा। उसको शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा। तो जितने फोर्स से वो रुका हुआ है, इसका मतलब उतना फोर्स उसमें लग रहा है। तो हम इस चीज को मेजरमेंट कर लें तो हमें उसमें पता चल जाएगा कितने फोर्स से वो खींच रहा है, इससे हमें उसकी सरफेस फ्री एनर्जी पता चल जाती है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, उसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, दैट वुड बी इक्वल टू एफ इंटू डेल एक्स। अब डेल एक्स की यदि हम बात करें तो जो आपका फोर्स है वो फोर्स किस कारण से है, डब्ल्यू इज इक्वल लैम्डा सरफेस टेंशन के कारण है, और वो फोर्स कितने एरिया में काम कर रहा है, 2L डेल एक्स। तो डेल एक्स क्या है, उसमें जो एरिया चेंज आया है, और 2L क्या है, दो सरफेस के बीच में है वो, और आपका यहां पर क्या है, हाँ ओवर यदि है, ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये क्या है आपका 2L, और डेल एक्स आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ है इस चीज को बता रहा है, जिसको हम क्या बता सकते हैं, डेल ए से बता सकते हैं। तो किसी भी चीज का यदि हमको सरफेस फ्री एनर्जी डिटरमाइन करनी है तो उसमें वर्क कितना डन किया जा रहा है, यदि इसको हम मेजर कर लें तो ये कैसे पता चल जाएगा, हमको उसकी सरफेस फ्री एनर्जी पता चल जाएगी। और आज की डेट में इतने इंस्ट्रूमेंटेशन एक्यूरेशन आ गया है कि आपको ये जिसको हम टॉर्जन फोर्स बोलते हैं, आप इसको जब हम मेजरमेंट करेंगे सरफेस टेंशन का तो पता चल जाएगा, उसकी रीडिंग हमको डायरेक्ट पता चल जाती है, टू द मीटर जो होते हैं ना, उसमें सेंसिटिव मीटर्स होते हैं उसमें पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल लैम्डा डेल ए। तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, W इज इक्वल लैम्डा इंटू डेल ए। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सरफेस फ्री एनर्जी को, किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू द वर्क डन इक्वल टू द सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। ये जो आपका जो ये इक्वेशन बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो डिफाइनिंग सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ एनी लिक्विड, एनी सरफेस, किसी भी सरफेस की, किस चीज को बता रहा है, सरफेस फ्री एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। आया समझ में, ठीक। इसके बाद में लास्ट आप बता देंगे एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन क्या है सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन के, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन लिख लें तीन चार हैं, और सरफेस फ्री एनर्जी पूछा ही जाता है आपको, ध्यान रखना। फर्स्ट लिखें सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट आपको सॉल्वेंट से याद रखना है, फर्स्ट किससे याद रखना है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में लिख लेना सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सरफेस एंड इंटरफेसियल फेनोमेना इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ फेजेस को डिटरमाइन करना होता है सॉल्वेंट सिलेक्शन में। फिर नेक्स्ट लिखना सस्पेंशन इमल्सन एंड क्रीम स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सस्पेंशन इमल्सन एंड क्रीम। क्रीम की यदि आपको स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है, ठीक है ना, तो आपका सस्पेंशन इमल्सन और क्रीम की स्टेबिलिटी एनालिसिस में भी हम इसको अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना इन द प्रोसेस ऑफ डिटर, हाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, वो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी ऐसा बोलो ना, कौन सी क्रीम गलत लगा दी तुम्हें, सस्पेंशन इमल्सन एंड क्रीम, ठीक है ना, इसमें किस लिए यूज होता है ये, स्टेबिलिटी एनालिसिस और आपका एनालिसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन टू द स्किन, इन सब में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन वाली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिटर्जेंसी, इन प्रोसेस ऑफ डिटर्जेंसी, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिटर्जेंसी। पहला पॉइंट क्या था, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट आपका सस्पेंशन इमल्सन जो क्रीम होते हैं उनकी स्टेबिलिटी एनालिसिस में करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, डिटर्जेंसी, ठीक। फिर आपका ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट में क्या, ऑइंटमेंट को हम अप्लाई करते हैं स्किन में, तो उसका स्प्रेडिंग स्टडी है ना, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट डिटरमाइन करने में,
स्प्रेडिंग ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक। फिर आपका फिफ्थ एक और लिखें, सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, सिलेक्शन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक। पहला क्या था, सॉल्वेंट, नेक्स्ट सस्पेंशन इमल्सन क्रीम, नेक्स्ट डिटर्जेंसी, उसके बाद ऑइंटमेंट, फिर उसके बाद फिर एक और लिखें टैबलेट। पूरी डोजेस फॉर्म फॉर्मुलेशन में यूज होता है ना, तो टैबलेट में कैसे, डिसइंटीग्रेशन स्टडी आपका, डिसइंटीग्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट, डिसइंटीग्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट की स्टडी में भी सरफेस और इंटरफेसियल फेनोमेना का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है, ठीक, एब्जॉर्बेंस बिहेवियर स्टडी में, एब्जॉर्बेंस बिहेवियर स्टडी और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन मेजरमेंट करने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड मॉर्निंग। हम जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट थर्ड कंटिन्यू करेंगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कंफर्म है, ज्यादातर रिपीटेडली पूछा ही जाता है, ठीक है ना, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, ठीक। हमको मेजरमेंट करना है सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को। हमने सरफेस टेंशन पढ़ा और इंटरफेसियल टेंशन भी पढ़ा, ठीक है ना। सरफेस टेंशन क्या होता है, आपका कोई भी लिक्विड है उसके जो सरफेस मॉलिक्यूल है उनके सरफेस पर जो टेंशन या जो तनाव होता है या फोर्स होता है हम उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। और इंटरफेस क्या होता है, आपका दो लिक्विड है, दो लिक्विड के बीच की बाउंड्री जो होती है, दो इमिसिबल लिक्विड है, दो इमिसिबल लिक्विड के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को हमको मेजरमेंट करना है। और कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट किया करो। इन क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में बेनिफिट क्या होता है, इनके आपको नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सी मेथड है। जनरली इसमें जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, मेथड क्या है, ठीक। सेकंड, वो जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो बेसिस क्या है उसका, मेजरमेंट का बेस क्या है, तो हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्या है उसका, ठीक। थर्ड, यदि कोई उसमें इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस है तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब ये आपको पार्ट्स में मिल जाता है ये करने के लिए कि उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। फिर फोर्थ, अब उसका कंस्ट्रक्शन है तो उसकी कोई प्रोसीजर भी होगी, यस, उसका कंस्ट्रक्शन है तो क्या होगी, उसकी प्रोसीजर भी होगी। और उसके बाद में प्रोसीजर के बाद में हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट क्या जाएगा, उसका कोई फॉर्मूला भी होगा जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं उसका आउटपुट। अब कोई मेथड है तो उसमें कंपैरेटिवली कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे, क्या होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस तो हम जनरली क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ही कर रहे हैं सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को, तो वही उसका एप्लीकेशन है कि सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन को मेजरमेंट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जनरली मेथड, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, फॉर्मूला एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो मेथड हैं आपको इसमें, कैपिलरी राइज मेथड, फर्स्ट मेथड आपकी कौन सी है, कैपिलरी राइज मेथड, और दूसरा है आपका डुइनोइड टेंसियोमीटर, ठीक है ना, टेंसियोमीटर, जिसको कि हम रिंग डिटैचमेंट मेथड भी बोलते हैं, रिंग डिटैचमेंट मेथड नाम याद रखना, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रिंग डिटैचमेंट मेथड। अब कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, दो तीन मेथड लिखी रहती हैं, और इसमें से सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन दोनों में से कौन सी मेथड में से हम मेजर कर सकते हैं, तो आपका जो रिंग डिटैचमेंट मेथड है हम इसमें सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन दोनों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना।
और जो आपका कैपिलरी राइज मेथड है उसमें केबल और केबल हम सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो हमको इजी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें मेथड। तो मेथड का नाम क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है, कैपिलरी राइज मेथड। क्या है, कैपिलरी राइज मेथड। सेकेंड मेथड हमारी कौन सी है, ठीक है ना, ठीक है ना, ड्यूनोई टेंसियोमीटर, या तो हम बोल सकते हैं आपका रिंग डिटैचमेंट मेथड। अब सबसे पहले हम समझते हैं कैपिलरी राइज मेथड के बारे में, ठीक है, हेडिंग डालने, कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जनरली जब आप कभी पानी में खड़े हो जाओ और आपके जो पैंट्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। किसके कारण आता है, कैपिलरी एक्शन के कारण। हम दिया भी जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो वो दिया पानी तेल तो नीचे रहता है लेकिन धीरे धीरे दिया जो है जलते रहता है। क्यों, क्योंकि वो जो ऑयल है वो ऊपर आते रहता है। किस कारण से, कैपिलरी एक्शन के कारण से। तो यहाँ पर जो इसका मेथड है आपकी कैपिलरी राइज मेथड में, तो मेथड ये, इसका प्रिंसिपल क्या है वो लिख ले, प्रिंसिपल। ठीक, व्हेन कैपिलरी इज प्लेस्ड टू द बीकर कंटेनिंग सैंपल सॉल्यूशन, when capillary is placed into the beaker containing sample, जिसका कि हमको surface tension measure करना है, ठीक है ना। जब capillary को हम placed करते हैं, किसमें placed करते हैं, beaker में containing liquid, ठीक है ना। तो liquid rises up, then so liquid rises up, liquid क्या होता है, ये आपका क्या है, कैपिलरी। क्या है, कैपिलरी। ये इसमें क्या है आपका, सैंपल, जिसका कि आपको सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना है। तो आपने क्या बताया, व्हेन कैपिलरी इज प्लेस्ड इनटू द बीकर कंटेनिंग सैंपल देन लिक्विड राइजेज अप। लिक्विड क्या होता है, राइजेज अप। लिक्विड क्या होता है, ऊपर की ओर, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। क्या हुआ इस प्रोसीजर में, बस हमने क्या, व्हेन कैपिलरी इज प्लेस्ड टू द बीकर कंटेनिंग सैंपल सॉल्यूशन, व्हेन कैपिलरी इज प्लेस्ड टू द बीकर कंटेनिंग सैंपल लिक्विड राइजेज अप ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एडहेसन फोर्स। एडहेसन फोर्स क्या होता है, इसके पहले हमने पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में, बिकॉज ऑफ द एडहेसन फोर्स बिटवीन द कैपिलरी ग्लास कैपिलरी एंड लिक्विड मॉलिक्यूल। जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल है, दो अनलाइक चीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, और लाइक मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द ग्लास कैपिलरी एंड वाटर, आपका जो भी सैंपल है उस मॉलिक्यूल के कारण, ठीक। एंड दिस राइज अप इन द कैपिलरी, दिस अपवर्ड मूवमेंट, इसको हम क्या बताएंगे, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक। हर उसमें हमको कुछ ना कुछ चीजें बताना, तो इसमें हम अपनी थ्योरी को बताएं, हमने जनरल बता दिया कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपवर्ड जो मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है वो उसमें हम बता देंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स एंड द कैपिलरी एक्शन, दो चीजें हैं। अब सेकेंड, देयर इज अ डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है तो डाउनवर्ड फोर्स भी है। डाउनवर्ड फोर्स किसके कारण है, कैपिलरी में लिक्विड ऊपर है, डाउनवर्ड फोर्स इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड द वेट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड में जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड फोर्स। क्या कहलाएगा, अपवर्ड फोर्स किस कारण से है, अपवर्ड फोर्स है आपका एडहेसन फोर्स के कारण और कैपिलरी एक्शन के कारण, क्योंकि कैपिलरी और ग्लास ट्यूब में एक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसके कारण लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और डाउनवर्ड फोर्स किसके कारण है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। आपको फिर नेक्स्ट चीज ये बताना है कि मेथड में क्या होता है कि जो अपवर्ड फोर्स के कारण लिक्विड ऊपर बढ़ रहा है वो एक पॉइंट पे आकर स्टॉप हो जाता है, वो एक पॉइंट पे आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो कब रुकेगा वो, जब अपवर्ड फोर्स विल इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स विल इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स।
एंड दिस बिकम द बेसिस फॉर डिटरमाइन द सरफेस टेंशन. ये क्या होता है, सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए बेसिक बनता है. आया समझ में? ठीक. एट इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स बिकम इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड जो फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाता है. ठीक है ना? मतलब इसमें जनरली क्या चीज आई, यदि हम देखें तो कैपिलरी में एक लिक्विड हाइट में चढ़ा तो ये एच हाइट, क्या चीज निकल के आई, एच. क्या चीज निकल के आई, एच हाइट. तो ये हाइट क्या होगा, अलग अलग जो लिक्विड का सरफेस टेंशन है उसके कारण अलग अलग हाइट होगी, जिससे कि हमको सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने में इजी मेथड हो जाएगी. समझ में आया? मेथड में क्या बताना है, प्रिंसिपल क्या है, व्हेन कैपिलरी इज डिप्ड या प्लेस्ड इनटू द लिक्विड कंटेनिंग सैंपल, लिक्विड राइजेज अप बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन और एडहेसिव फोर्स. ठीक है ना? और फिर उसके बाद में आपका जो अपवर्ड मूवमेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एडहेसन एडहेसिव फोर्स एंड कैपिलरी एक्शन, एंड डाउनवर्ड फोर्स इज ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी जी, ग्रेविटी के कारण भी है आपका डाउनवर्ड फोर्स. और ये कब तक होगा, एक लिमिट तक होगा. कब तक होगा, एक लिमिट तक होगा, एक टाइम पर आकर कैपिलरी में जो वाटर राइज अप हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा. तो उस पॉइंट को हम उस हाइट को मेजर कर लेते हैं. दिस बिकम द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन. प्रिंसिपल में हमको बताना क्या है कि क्या चीज हुआ और क्या बेसिस बना जिससे हम आपके सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर पा रहे हैं. समझ में आया? तो बेसिक बेस क्या बना इसमें, हाइट. डिफरेंट लिक्विड हैविंग डिफरेंट सरफेस टेंशन हैविंग डिफरेंट एच, ये बेस होता है इसका. फिर हम देखें नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं. तो कंस्ट्रक्शन में आप बता सकते हैं, देयर इज अ बेसिक सैंपल, आपका वेसल होगा, सैंपल वेसल, जिसमें कि हम क्या करेंगे, सैंपल पुट करेंगे. एंड देयर इज अ कैपिलरी, एंड कैपिलरी मे बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास, ग्लास ट्यूब्स, प्लास्टिक और ग्लास ट्यूब्स की हो सकती है. तो इसका ये कंस्ट्रक्शन है. प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या हो जाएगा, नॉर्मली जैसे हम लैब में परफॉर्म करते हैं, ये कुछ इजी स्टेप होते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख सकते हैं. फर्स्ट कैपिलरी इज टेकन, जो भी कैपिलरी स्टैंडर्ड साइज की आप कैपिलरी ले लेते हैं. बीकर इज टेकन, उनको आप क्लीन करते हैं, सैंपल को प्लेस करते हैं, कैपिलरी को प्लेस करते हैं, एंड लिक्विड जो राइज होता है उसको आप हाइट उसकी मेजर कर लेते हैं. ये प्रोसेस है. और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर्मूला. तो इसका फॉर्मूला लिख लें, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा, सरफेस टेंशन लैम्डा इज इक्वल 1/2 ठीक है ना. आर क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी, 1/2 एक फैक्टर होता है. ठीक है ना, जब कॉन्टेक्ट एंगल 0 होता है तो उसमें करेक्शन फैक्टर होता है 1/2 जिसको हम बोलते हैं. तो इन केस में हम 1/2 वहां से आता है आपका आर रेडियस है. फिर रो इसको हम बोलते हैं इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. लिक्विड की डेंसिटी हम डेंसिटी बॉटल से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी आप पॉइंट बता सकते हैं. एक डेंसिटी वाला लेक्चर भी है कि डेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, या अलग से कभी डेंसिटी डिटरमिनेशन की मेथड बता देंगे. या हम प्रैक्टिकल करेंगे तब डेंसिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी. एच आपका हाइट एंड जी इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. इस फॉर्मूले को प्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, आपका सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है. ठीक है, प्रिंसिपल मेथड का नाम अच्छे से याद रखना है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द कैपिलरी मेथड, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, फॉर्मूला. एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इजी मेथड है, आप इसको लैब, स्कूल, कॉलेज कहीं भी कर सकते हैं. ठीक है ना, इजीएस्ट मेथड है जिसमें आपको हाइट मेजर करनी है, बाकी चीजें आपको गिवन होंगी. सेकंड, एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें तो दिस इज मेजर ओनली सरफेस टेंशन. हम इस मेथड का केवल सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने में यूज कर सकते हैं. ठीक, और जनरली आपके जो लिक्विड है वो क्या होने चाहिए, डाइल्यूट लिक्विड होनी चाहिए. वो उसमें आ जाएगा डिसएडवांटेज में कि ओनली लिक्विड ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस का ही हम मेजर कर सकते हैं. फिर डिसएडवांटेज इसका क्या है, अब कैपिलरी है, वाटर राइज होगा, टाइम कंज्यूमिंग है ना, टाइम कंज्यूमिंग ये डिसएडवांटेज हो जाएगा. फिर नेक्स्ट लिखना, और एडवांटेज में क्या हो जाएगा कि एक्सपेंसिव नहीं है, नॉन एक्सपेंसिव है, कोई बहुत हैवी इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत नहीं है. आगे समझ में? तो कौन सी थी पहली मेथड, कैपिलरी राइज मेथड. कैपिलरी राइज मेथड में क्या क्या चीज हम यूज करते हैं, कैपिलरी, बीकर है ना, और आपका सैंपल. इसमें मेथड में होता क्या है आपका, राइजिंग ऑफ लिक्विड टू द कैपिलरी बिकॉज ऑफ द एडहेसन और एडहेसिव फोर्स,
दैट बिकम द बेसिस टू द मेजर ऑफ द सर्फेस टेंशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे टेंसियोमीटर या रिंग डिटैचमेंट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू नॉय टेंसियोमीटर. ठीक, इसका एडवांटेज ये है, ठीक है ना, पहले बता दें हम कि जो ड्यू नॉय टेंसियोमीटर है, इट इज यूज्ड फॉर बोथ द बोथ टू डिटरमाइन बोथ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन. हम इसमें सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन दोनों को मेजर कर सकते हैं. सेकेंड, इसका एडवांटेज भी लिख लें, रैपिड डिटर्मिनेशन होता है इसमें और स्मॉल क्वांटिटी का सैंपल है तो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. यहां पर आपको जो पहली वाली मेथड है उसमें बीकर लेना पड़ रहा था, ठीक है ना, यहां पर एक सिंपल आपकी सैंपल प्लेट होती है उसमें हम सैंपल रखते हैं थोड़ा सा और डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन कैपिलरी में सैंपल रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और टाइम कंज्यूमिंग थी. यहां पर क्या है, रैपिड है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड. ठीक, फिर नेक्स्ट हमको क्या बताना, नेक्स्ट लिखना आपका प्रिंसिपल. ठीक, प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन को समझ लेंगे तो प्रिंसिपल बहुत आसानी से समझ लेंगे. कंस्ट्रक्शन में इसमें लिखें, सबसे पहले आपका एक सैंपल ट्यूब होती है, फर्स्ट सैंपल ट्यूब. ठीक, फर्स्ट है आपका सैंपल ट्यूब, सेकेंड इसमें एक रिंग होती है, ठीक है ना, रिंग. फिर थर्ड लिखना, इसमें एक वायर होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्जन वायर, टॉर्जन वायर होता है. फिर एक और इसमें होता है डायल, कि जो रिंग होती है वो प्लेटिनम इरिडियम की रिंग होती है, प्लेटिनम इरिडियम की रिंग होती है, ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम की एक रिंग होती है इसमें. अब देखें इसको समझे, यदि आपको एग्जाम में बनाना है इसको तो आप बहुत इजी तरीके से बना भी सकते हैं. एक जनरली इसमें इंस्ट्रूमेंट का एक पॉइंट होगा जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट आपका पूरा रखा रहेगा. यहां पर क्या रहेगा, एक हमने बोला सैंपल प्लेट, तो आपकी एक सैंपल प्लेट यहां पर होगी और स्पेसिफाइड आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में बनाना तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना. एक प्लेट है जिसमें क्या है आपकी, ये रिंग है मान के चलो, ठीक है ना, एक रिंग है प्लेटिनम इरिडियम की रिंग है. उस प्लेट में रिंग को हम क्या करेंगे, डिटैच करेंगे. इस जैसे मेथड का नाम है रिंग डिटैचमेंट मेथड. तो प्लेटिनम इरिडियम की रिंग है वो एक वायर से जुड़ी हुई है, वो एक वायर से क्या है, जुड़ी हुई है. रिंग है आपकी ये जो कि एक वायर से जुड़ी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं टॉर्जन वायर. ठीक, यहां पर एक डायल लगा हुआ है जिसमें रीडिंग दी हुई है, यहां पर नॉब लगी हुई है. ठीक, इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंटेशन है. समझ में आ गया क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है. ये सैंपल ट्यूब है. कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सैंपल ट्यूब वेयर द सैंपल इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, सैंपल को हम प्लेस करते हैं. सेकंड है आपका रिंग, प्लेटिनम इरिडियम रिंग, स्टैंडर्ड प्लेटिनम इरिडियम रिंग इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सर्फेस एंड इंटरफेसियल टेंशन. टॉर्जन वायर इज यूज टू पुल द रिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो सैंपल है उससे उसको पुल करने के लिए यूज करते हैं. यही चीजें आपको बताना है थ्योरी में. रिंग, फिर आपका है डायल, डायल में जो फोर्स टू डिटैच द रिंग फ्रॉम द सैंपल, सैंपल से जो फोर्स अप्लाई होता है रिंग को डिटैच करने के लिए, दैट इज किस में आ जाता है आपका, डायल में आ जाता है. वहां पर एक डायल होता है उसमें आपका ये आ जाता है. अब समझ में आया. अब इसमें लिखें इसका प्रिंसिपल लिखें, फोर्स required to detach the platinum iridium ring, force required, एक pull force लगाएंगे ना, force required to detach platinum iridium ring, force required to detach platinum iridium ring emerged at interface or surface, emerged at surface or interface, मतलब जो कि इमर्ज्ड है, मतलब डिप्ड है ना, डूबी हुई है सरफेस और इंटरफेसियल इंटरफेस में. एंड दैट इज इक्वल टू द सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन, इक्वल टू द सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन. समझ में आया प्रिंसिपल.
क्या बोल रहे हैं हम इसमें प्रिंसिपल में, आपकी प्लेटिनम, इसलिए कंस्ट्रक्शन बताना जरूरी था, नहीं तो यदि हम डायरेक्ट प्रिंसिपल समझाते आपको, ये प्लेटिनम इरिडियम की एक रिंग है, वो फोर्स अप्लाइड टू डिटैच द रिंग इट इज इक्वल टू द सर्फेस टेंशन, समझ में नहीं आता। लेकिन आपको अब समझ में आ रहा होगा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच कौन सी रिंग है, वो प्लेटिनम इरिडियम की एक रिंग है, स्टैंडर्ड रिंग है, फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच, ठीक है ना, कहां से, रिंग इमर्ज्ड इनटू द सरफेस और इंटरफेस ऑफ द लिक्विड, जो कि इमर्ज्ड है लिक्विड किसमें, सरफेस और इंटरफेस, टू द सैंपल ट्यूब और सैंपल प्लेट, जो सैंपल प्लेट है इसको हम ट्यूब ना लिख के सैंपल प्लेट है, यहां पर रखा हुआ है सैंपल, इसमें से डिटैच करने के लिए जो फोर्स अप्लाइड होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड और इंटरफेसियल टेंशन ऑफ द लिक्विड, बस इतना इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन हमने देखा, प्रोसीजर क्या होगी, प्रोसीजर ये होगी कि सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना मतलब कि रीडिंग प्रॉपर जीरो पर है कि नहीं है, ये सब सेट कर लेना, कैलिब्रेट करना मतलब, तो लिखते जाएं आप लोग, है ना, शॉर्ट में, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है आपका कैलिब्रेट हम करते हैं, कैलिब्रेट कर लिया, उसके बाद में जो भी आपको सैंपल है, सैंपल इज प्लेस्ड टू द सैंपल ट्यूब, सैंपल इज प्लेस्ड टू द सैंपल ट्यूब, सैंपल हमने प्लेस कर लिया, एंड देन ठीक है ना, रिंग जो आपकी रिंग है इज अटैच्ड टू द सरफेस और इंटरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना, देन पुल फोर्स इज अप्लाइड, पुल फोर्स इज अप्लाइड, पुल फोर्स को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, एंड द टॉर्जन फोर्स, टॉर्जन फोर्स मतलब जो डायल पर फोर्स है, टॉर्जन फेस फोर्स, रीडिंग ऑन द डायल इज रिकॉर्डेड, ठीक है ना, जो आपकी रीडिंग है डायल में, जो रीडिंग है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड द सर्फेस और इंटरफेसियल टेंशन इज मेजर्ड, और सर्फेस और इंटरफेसियल टेंशन को हम मेजर कर लेते हैं, ठीक, तो इसका फॉर्मूला लिख लें, आपका जो फॉर्मूला है इसमें लैम्डा इज इक्वल आपकी जो डायल की रीडिंग है, डायल रीडिंग, डायल रीडिंग क्या है आपका, डायल रीडिंग आपका अपवर्ड फोर्स है, डायल रीडिंग क्या है, अपवर्ड फोर्स है, ठीक, मतलब क्या है, जनरली यदि देखें तो जब हमको सरफेस टेंशन क्या होगा, अपवर्ड फोर्स विल इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स तो ये रीडिंग है आपकी, ठीक है ना, डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, इट इज बिकॉज ऑफ द सर्फेस टेंशन जिसको कि हमको मेजर करना है, साथ में आपका 2 × 2πr, ये 2πr कहां से आ गया, जो सर्कमफ्रेंस है आपका रिंग का उसके कारण है, और इंटू टू क्यों है, क्योंकि टू सर्फेसिस आर देयर, है ना, दो सर्फेस आपकी है इसलिए यहां पर टू रखा है, ये तो इसका जनरल फॉर्मूला है, लेकिन कई बार कोई फैक्टर होता है, करेक्शन फैक्टर या कोई रीडिंग है जो कि हमको करेक्ट करना है डायल में, वो कैलिब्रेट नहीं हो पाई, तो वो करेक्शन फैक्टर आ जाता है यहां पर, क्या आ जाता है, करेक्शन फैक्टर, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं सर्फेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन, तो क्या क्या चीजें आपको पता चल गई, कि मेथड कौन सी है, ड्यूनोई टेंसियोमीटर, रिंग डिटैचमेंट मेथड बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, टू डिटैच द प्लेटिनम इरिडियम रिंग फ्रॉम द सरफेस और इंटरफेस ऑफ लिक्विड, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन, ये इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें सैंपल प्लेट होती है, जिसमें कि सैंपल को हम प्लेस करते हैं, एक इसमें प्लेटिनम इरिडियम की रिंग होती है, एक टॉर्जन वायर होता है, एक डायल होता है, ठीक है ना, और पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन एक उसमें अरेंज्ड होता है, इसको यदि आप बुक वगैरह में देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप उतने लेवल का बना पाएं, यदि टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद में प्रोसीजर, आप जो जनरल प्रोसीजर उसको बता देंगे, फॉर्मूला क्या है आपका, डायल में जो रीडिंग है डाइन पर सेंटीमीटर, 2 × 2πr आपका ये जो इरिडियम है उसका सर्कमफेरेंस है, इंटू करेक्शन फैक्टर से आप इसको निकाल सकते हैं।
फिर नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज की बात एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज पहले हमने देखा कि रैपिड इसमें हम रैपिड कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा क्या है इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन की बात करें तो सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन बोथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जनरल मेथड होती हैं, दो मेथड और हैं, इनमें से दो मेथड को हम जो है लैब में भी परफॉर्म करेंगे। फिर एक है आपका ड्रॉप मेथड, फिर ये आपका क्या ड्रॉप मेथड, ठीक, और एक और मेथड है विलहेमी मेथड, विलहेमी प्लेट मेथड। ड्रॉप मेथड और हाँ, अब ड्रॉप मेथड में दो मेथड होती हैं, एक होती है ड्रॉप काउंट मेथड, एक होती है ड्रॉप काउंट मेथड, और दूसरा होता है ड्रॉप वेट मेथड। अब जनरली यदि हम बात करें तो ड्रॉप मेथड को हमने बता दिया कि ड्रॉप नाम क्या है मेथड का, ड्रॉप मेथड। ड्रॉप मेथड में क्या है आपका ड्रॉप काउंट मेथड और ड्रॉप वेट मेथड। अब यदि प्रिंसिपल की बात करें तो ड्रॉप वर्ड यहां पर आ गया है, तो ड्रॉप और सरफेस टेंशन का कोई कोरिलेशन है क्या, ड्रॉप और सरफेस टेंशन का कोई कोरिलेशन है क्या, जो हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था वही इसका प्रिंसिपल बनेगा कि आपका जो ड्रॉप होती है, ठीक है ना, दैट टेंड्स टू टेक द स्मॉल सरफेस, दैट टेंड्स टू टेक स्मॉलेस्ट सरफेस। जैसे जैसे सरफेस टेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्रॉप्स होंगी, तो ड्रॉप्स क्या होती है टेंड्स टू टेक द स्मॉल एंड स्पेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सरफेस टेंशन बाय मेजरिंग द ड्रॉप काउंट एंड द ड्रॉप वेट सरफेस टेंशन कैन बी डिटरमाइंड, है ना। ड्रॉप इज द फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन, इसमें हम थ्योरी कैसे बताएंगे, जो आपका ड्रॉप है ड्रॉप इज द बेसिक फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। सो बाय कैलकुलेटिंग द काउंट ऑफ द ड्रॉप एंड द वेट ऑफ द ड्रॉप, ठीक है ना, दस सरफेस टेंशन ऑफ द सैंपल कैन बी डिटरमाइंड, सरफेस टेंशन ऑफ सैंपल डिटरमाइन किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक तरीके का हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है स्टेलेग्मोमीटर, स्टेलेग्मोमीटर याद रखना, ये हम प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होगा स्टेलेग्मोमीटर इसको बोलते हैं। स्टेलेग्मोमीटर को यदि हम देखें तो इसका कैपिलरी जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, यहां पर मेनिस्कस ए और मेनिस्कस बी, दो मेनिस्कस दिए हुए रहते हैं, ठीक है ना, मेनिस्कस ए और मेनिस्कस बी, ये आपका जनरल एक स्टेलेग्मोमीटर है दैट मे बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। जनरली हमारे यहां जो लैब में है वो ग्लास का स्टेलेग्मोमीटर है, ठीक, ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसकी प्रोसीजर क्या होगी, प्रोसीजर जनरली क्या होगी कि हम ड्रॉप काउंट और ड्रॉप वेट मेथड के लिए अलग अलग प्रोसीजर, प्रोसीजर सिमिलर है, ड्रॉप तो काउंट उसमें भी होंगी और वेट दोनों में ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। स्टेलेग्मोमीटर को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड साइज के स्टेलेग्मोमीटर होते हैं, तो स्टेलेग्मोमीटर को हमने लिया। अब जो भी सैंपल का हमको क्या करना है सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना है दैट इज सक्ड, ठीक है ना, उसको हम क्या कर देते हैं सक कर लेते हैं टू द पॉइंट ए, ए पॉइंट तक सक कर लिया, फिर हम ए से बी तक आने देते हैं कितने ड्रॉप आए, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक 20-30 ड्रॉप हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं और उसमें टाइम कितना लगा ये निकाल लेते हैं या उनका वेट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स निकाल लेते हैं और वो चीज़ें। तो सबसे पहले लिख लें आप ड्रॉप वेट मेथड में, ड्रॉप वेट मेथड के बारे में लिख लें, प्रोसीजर दोनों में सिमिलर है, दोनों में स्टेलेग्मोमीटर का यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्शन सिमिलर है, ठीक है ना। अब प्रोसीजर देखें हम किसमें, ड्रॉप वेट मेथड में, ड्रॉप वेट मेथड में लिखें, ठीक है ना, लिक्विड को हम क्या करते हैं, लिक्विड इज सक्ड फ्रॉम पॉइंट टिल पॉइंट ए, लिक्विड को हम क्या कर लेते हैं सक कर लेते हैं पॉइंट ए तक में, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे अलाउ द, ठीक है ना, अलाउ द लिक्विड टू ड्रॉप, सेकेंड क्या जाएगा अलाउ द लिक्विड टू ड्रॉप, फिर नेक्स्ट लिखना 20-30 ड्रॉप्स
ठीक है ना, जरूरी नहीं है ए से पॉइंट तक की कितनी ड्रॉप्स आ रही हैं हम उतनी लें, हम कितनी ड्रॉप्स ले सकते हैं 20-30 ड्रॉप्स फॉर द कैलकुलेशन कैन कुड बी टेकन। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एवरेज वेट निकाल लेंगे। एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, 20 ड्रॉप्स हैं तो 20 ड्रॉप्स है ना का वेट क्या है, ओवरऑल हम उसका एवरेज निकाल लेंगे, जो टोटल ओवरऑल आया है उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो एवरेज आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लिख लें, लैम्डा इज डिटरमाइंड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है आपका, एवरेज वेट ऑफ द ड्रॉप्स, उसके बाद में 2πr। एवरेज कैसे निकालें, मान के चलो 20 वेट्स का जो भी वेट आया है उसको डिवाइड कर देंगे हम 20 से, तो उसका एवरेज वेट यदि हमने 30 ड्रॉप्स ली है तो, हाँ ठीक है। अब 2πr क्या है आपका, जो भी आपने स्टैलेगमोमीटर लिया उसका सर्कमफेरेंस कितना है, तो उससे हम निकाल लेंगे। अब ड्रॉप काउंट मेथड लिखें, ड्रॉप काउंट मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार हमको कोई सैंपल दे दिया गया, इसमें एक चीज और आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे हमको कोई सैंपल दे दिया गया, कोई लिक्विड दे दिया गया है और उसका बोला है कि सरफेस टेंशन डिटरमाइन करो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, लिख लें फिर मैं उसको समझा देता हूं। लैम्डा एल मतलब ये सैंपल लिक्विड है जिसका कि हमको सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना है, और लैम्डा डब्ल्यू दैट इज वाटर, डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू या डब्ल्यू एल और डब्ल्यू ये वेट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो हमको वाटर है, वाटर का जनरली स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई रहती है, हम उसका इजीली निकाल सकते हैं, तो हमको कोई लिक्विड का हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है सरफेस टेंशन, तो हम वाटर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। डब्ल्यू वन हम निकाल लेंगे इसी तरीके से निकाल लेंगे, और डब्ल्यू वाटर का वेट काउंट हम निकाल लेंगे, और आपका लैम्डा एल लिक्विड का जो है वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मतलब इतनी चीजें हमको, ये चीजें दो चीजें तो हमको निकालनी है, और ये गिवन होता है आपका वाटर का, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। सैंपल आपको कोई दिया गया है और बोला गया कि इसका सरफेस टेंशन डिटरमाइन करें स्टैलेगमोमीटर से, आ रहा समझ में। तो 20 ड्रॉप्स का ऑलरेडी वाटर की ये वैल्यू दी हुई है, तो आप उससे कोई सैंपल का जो है ड्रॉप वेट मेथड से उसका सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड में लिखें, सिमिलर भी इसमें यही चीज होगा कि हम बी पॉइंट से ए पॉइंट तक में क्या करेंगे, लिक्विड को सक कर लेंगे, अब उसकी ड्रॉप को काउंट करना है हमको, ड्रॉप्स को क्या करना है, काउंट करना है। अब मान के चलो हमने 20 ड्रॉप्स ले लिया, अब हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल डब्ल्यू, उसका वेट भी निकालना है, यदि हमने 20 ड्रॉप्स लिए हैं तो उसका वेट भी निकाल लेंगे एवरेज वेट, तो डब्ल्यू अपॉन 2πr n, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो जाएगा, इस तरीके से ये निकल आएगा। ठीक, और इन केस ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स में यदि हमको कोई लिक्विड है, सैंपल है उसका वो निकालना है, तो हो जाएगा लैम्डा लिक्विड लैम्डा वाटर इज इक्वल डी वन डी एल डी डब्ल्यू और एन डब्ल्यू और एन लिक्विड, इस तरीके से हम किसी सैंपल का भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, ड्रॉप्स जो है अपोजिट रखनी है, लैम्डा एल लिक्विड सैंपल का और आपका लैम्डा वाटर का जो सरफेस टेंशन है, डेंसिटी है, डी वन क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एन डब्ल्यू नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, डी डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर और एन लिक्विड लिक्विड के नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने आए, तो ये हमको निकल आएगा प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो, आया समझ में। तो इससे हम ड्रॉप काउंट और ड्रॉप वेट मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, स्टैलेगमोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद में लास्ट मेथड है, बहुत छोटी मेथड है, उसको और लिख लें, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलहेल्मी प्लेट मेथड, विलहेल्मी प्लेट मेथड। ठीक, इसमें लिखना, इसका भी कंस्ट्रक्शन लिख लें आपका, इसमें एक जनरली क्या होता है, बैलेंस होता है, जनरली रिंग डिटैचमेंट टाइप की मेथड है, बट इसमें क्या होता है, जो आपका सैंपल रखने वाला सैंपल वेसल है उसको हम डाउनवर्ड पुल करते हैं, सैंपल को हम डाउनवर्ड पुल करते हैं और अपवर्ड पुल करते हैं। सिमिलर वही मेथड है आपकी, लगभग लगभग जैसे उसमें रिंग डिटैच करते थे,
इसमें हम जो आपका सैंपल वेसल है उसको डाउनवर्ड पुल करते हैं, जिसके कारण आपकी जो प्लेट होती है ना, प्लेट मेथड लिखा है, इसमें एक वर्टिकल प्लेट होती है जो कि एक टॉर्जन वायर से अटैच है। ये आपका वर्टिकल प्लेट है, उसमें हमने रिंग यूज करी थी, यहां पर एक वर्टिकल प्लेट है, ठीक है ना, ये भी प्लेटिनम की प्लेट है। यहां पर आपका क्या होगा, सैंपल सॉल्यूशन होगा जो कि एक इंस्ट्रूमेंट से अटैच्ड है, सैंपल जिसमें हम पुट करेंगे वो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसका भी हमको सरफेस सेंसिटिविटी डिटरमाइन करना है, तो क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा, अटैच होगा ना। फिर जब हम इसको डाउनवर्ड पुल करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्लेट में एक फोर्स अप्लाई होगा ना सरफेस टेंशन के कारण, तो यही है कि इससे लिक्विड इससे भी डिटैच होगा, तो उसको हम मेजर कर लेंगे। आ रहा समझ में? जनरली आपका जो कैपिलरी राइज मेथड है और आपका ड्यूनोइड टेंसियोमीटर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, उन दो को तो आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आपके पास में टाइम है तो ड्रॉप काउंट मेथड, ड्रॉप वेट मेथड को कर देना। बस विलहेल्मी मेथड में क्या है, आपका ये बैलेंस है, हमको ये चीज पता चल गई कि सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन के लिए रूल ये है, उनमें कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, उसको डिटैच करने में कितना प्रेशर लग रहा है, दैट वुड बी इक्वल टू द सर्फेस और इंटरफेसियल टेंशन। कैपिलरी राइज मेथड में कहानी डिफरेंट थी और ड्रॉप काउंट मेथड में कहानी डिफरेंट थी, कि उसमें ड्रॉप्स जो बन रही थी वो सरफेस टेंशन के कारण बन रही थी, और कैपिलरी में राइज जो हो रहा था दैट इज बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स के कारण राइज हो रहा था। यहां पर क्या है कि आपकी, जैसे जनरली हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसमें क्या होगा, एक प्लेट होगी जो कि वर्टिकल प्लेट है, टॉर्जन वायर है, बैलेंस है, इस बैलेंस में रीडिंग आ जाएगी और सैंपल आपका रखने का सैंपल वेसल हो जाएगा। इसमें जब भी हम क्या करेंगे, सैंपल को रखेंगे, जिसका भी सरफेस टेंशन डिटरमाइन करना है, अब इसको हम अपवर्ड मूव करेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे कि आपका जो प्लेट है वो उससे अटैच हो जाए, सरफेस से क्या हो, प्लेट अटैच हो जाए। जब हम इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इस प्लेट के, प्लेट में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन, इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आए समझ में? प्लेटिनम प्लेट इसमें यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लें, लैम्डा इज इक्वल डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन टू एल प्लस टी। ये वैल्यूज लिख लें क्या है, डब्ल्यू एल है आपकी रीडिंग, ठीक है ना, डब्ल्यू टी के, डब्ल्यू एल क्या है आपकी रीडिंग है, बैलेंस में जो रीडिंग है। फिर W लिख लें वेट ऑफ द प्लेट, W क्या है आपका वेट ऑफ द प्लेट, प्लेट का जो वजन है वो है। L आपका क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेट, एंड T क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो लेंथ और थिकनेस प्लस वेट ऑफ द प्लेट एंड द रीडिंग ऑन द डायल, इन चीजों को हम निकल आएगी तो हम उस लिक्विड का सरफेस टेंशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एन इंटरफेसियल टेंशन, जिसमें ड्यूनोई मेथड ऑफ सरफेस टेंशन डिटरमिनेशन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उस नाम से आ जाती है, ठीक है ना। या तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा हाउ विल यू डिटरमाइन सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक, हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में यूनिट थर्ड जो है कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट, और साथ में आपका एक छोटा टॉपिक है दैट इज स्प्रेडिंग कोफिशियंट। क्या है आपका स्प्रेडिंग कोफिशियंट? ठीक, स्प्रेडिंग कोफिशियंट की बात करें तो जनरली स्प्रेडिंग कोफिशियंट को समझने के लिए यदि हम एग्जाम में हमसे पूछा जाए व्हाट इज स्प्रेडिंग कोफिशियंट, तो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इसकी डेफिनेशन बताना हो तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा उसी में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। स्प्रेडिंग कोफिशियंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ एडिशन, ठीक है ना, माइनस वर्क ऑफ कोहेसन फोर्स। मतलब अब ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि वर्क ऑफ एडिशन एंड वर्क ऑफ कोहेसन क्या है, ठीक है ना, और वर्क जो आपका स्प्रेडिंग कोफिशियंट है उसमें इसका क्या रोल है। यदि हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो स्प्रेडिंग कोफिशियंट एस क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ एडिशन एंड वर्क ऑफ कोहेसन, वर्क ऑफ एडिशन एंड वर्क ऑफ कोहेसन।
तो एस क्या है आपका स्प्रेडिंग कोफिशियंट है, डब्ल्यू ए क्या है लिख लें वर्क ऑफ एडहेशन, और डब्ल्यू सी क्या है आपका वर्क ऑफ कोहेशन। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। एग्जाम में हमको वो एग्जाम्पल भी देना है, एग्जाम में हमको क्या करना है वो एग्जाम्पल भी देना है। जनरली क्या होता है कि जो आपके जितने भी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी वाले डोजेस फॉर्म होते हैं, इमल्सन हो गया, या जिनको हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तो उसको स्प्रेड करना होता है, ठीक है ना। तो उसका एक तरीके का टूल है ये, कैलकुलेटिंग टूल है। स्प्रेडिंग कोफिशियंट क्या है एक तरीके का, जैसे मान के चलो ये आपकी कोई एक लिक्विड है जिसको कि हमने बोला सबस्ट्रेट है। ये क्या है, एक लिक्विड जो कि सबस्ट्रेट है, मतलब एक लिक्विड है। मान के चलो ये सबस्ट्रेट आपका क्या है, वाटर है। लिक्विड कौन सा है आपका, वाटर है। ये दूसरा लिक्विड है, एग्जाम में भी आप ये बना सकते हो, ठीक है ना। ये दूसरा लिक्विड है जो कि हम बोल रहे हैं बेंजीन, क्या है बेंजीन। तो जब हम बेंजीन को वाटर के ऊपर रखेंगे, हमें मालूम है कि बेंजीन और वाटर दोनों क्या है, इमिसिबल है। बेंजीन और जो वाटर है वो क्या है, इमिसिबल है। तो जब हम बेंजीन को वाटर के ऊपर रखेंगे एज अ बेंजीन की ड्रॉप, तो बेंजीन क्या होगी, स्प्रेड होगी। बेंजीन क्या होगा, वाटर के ऊपर स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होगा मतलब फैलेगा, ठीक है ना। और फैलकर क्या बनाएगा, एक फिल्म बनाएगा, ठीक है ना, उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा। तो इसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और हर एक आपके ऑर्गेनिक जो बोलना चाहिए एसिड होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से स्प्रेडिंग कोफिशियंट की, ठीक है ना। यदि स्प्रेडिंग कोफिशियंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, स्प्रेडिंग कोफिशियंट की वैल्यू क्या है पॉजिटिव आती है या जीरो आती है, तो इसका मतलब स्प्रेडिंग होगी, और नहीं आती है, नेगेटिव जाती है, तो स्प्रेडिंग के चांसेस माइनस में आ जाते हैं, स्प्रेडिंग उसमें नहीं होगी प्रॉपर। तो ये हम किस लिए स्टडी करते हैं, जनरली इमिसिबल लिक्विड या जो दो फेजेस होते हैं उनमें जनरली जो एक्सटर्नल हम फेज बनाते हैं, जो एक्सटर्नल डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे क्रीम हो गया, इमल्सन हो गया, उनके लिए हम स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बढ़ते हैं, ठीक। तो इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे मान के चलो ये बेंजीन है और ये आपका वाटर है, ठीक है ना। ये ओवरलेइंग आपका है, ओवरलेइंग लिक्विड है ये, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, ये सबस्ट्रेट है। तो आपको क्या बताना है कि व्हेन द ड्रॉप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड ओवर अ, ठीक है ना, वाटर, इट इज स्प्रेड ओवर द वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ फिल्म, इट इज कॉल्ड द स्प्रेडिंग। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, स्प्रेडिंग क्या होता है। व्हेन द ड्रॉपलेट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड ओवर द वाटर, ठीक है ना, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ड्रॉपलेट्स को हम वाटर पर रखते हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, उसमें एक फिल्म फॉर्म करता है या उसके ऊपर स्प्रेड होता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द लेयर ओवर द वाटर इज कॉल्ड स्प्रेडिंग, ठीक है ना। एंड इट देन इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना, एज अ स्प्रेडिंग कोफिशियंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ कैलकुलेशन और एक एवेल्युएशन पैटर्न बना सकते हैं। तो एग्जाम में हमको कैसे बताना है स्प्रेडिंग कोफिशियंट को, स्प्रेडिंग कोफिशियंट डायरेक्ट क्या है आपका, एस डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू सी, मतलब डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ एडहेशन एंड द वर्क ऑफ कोहेशन। इसको भी समझते हैं कि ये वर्क ऑफ एडहेशन कहाँ से आया और वर्क ऑफ कोहेशन कहाँ से आया, ठीक। लेकिन पहले इसको समझ लें कि स्प्रेडिंग है क्या, स्प्रेडिंग क्या है, समझ में आया। जब हम किसी ऑयल के ड्रॉपलेट्स को वाटर के ऊपर रखेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें स्प्रेड होगा, फैलेगा, एंड दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल टू द वाटर इज कॉल्ड स्प्रेडिंग, ठीक है ना। एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज स्प्रेडिंग कोफिशियंट, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज स्प्रेडिंग कोफिशियंट, लिख लें इसको। एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड टू स्प्रेड ओवर अदर लिक्विड, ability of one liquid to spread another liquid। अब next हम देखेंगे कि इसमें generally डब्ल्यू ए और डब्ल्यू सी, ये जो चीजें आपको पूरी explain करना है exam में, इसी तरीके से आप ये जो है diagram बनाकर explain करना है कि जो benzene है आपकी organic molecule है और water है आपका, ये substrate है, ये overlaying liquid है। when the droplet of benzene is placed over water, इट इज स्प्रेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है ना,
and this can be calculated as and spreading coefficient is difference. It is the difference. ये है ना difference. माइनस मतलब कि वर्क ऑफ कोहेसन को हटा देंगे हम वर्क ऑफ एडिशन में तो हाँ आपका स्प्रेडिंग कोफिशियंट निकल आएगा. आप सेकंड ये बता सकते हैं कि वैल्यू हमेशा इसकी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो होना चाहिए. तो आपका जो एडिशन होगा वैल्यू ऑफ स्प्रेडिंग कोफिशियंट ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव और जीरो. इट इंडिकेट्स स्प्रेडिंग विल अकर, स्प्रेडिंग आपकी होगी. नेक्स्ट अब समझे, मान के चलो आपके बेंजीन और बेंजीन मॉलिक्यूल्स हैं. ये क्या है, बेंजीन एंड बेंजीन मॉलिक्यूल्स. तो आपका एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स. क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स. और मान के चलो आपका ये बेंजीन है और यहां पर आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है. ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है. तो बेंजीन और वाटर मॉलिक्यूल का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में दो अनलाइक मॉलिक्यूल हैं, बेंजीन और वाटर. तो इसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स. क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स. तो देखें यहां पर एडहेसिव फोर्स भी होना चाहिए. दो लिक्विड के बीच में जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है. वो एडहेसिव फोर्स होगा तभी तो आपका लिक्विड क्या होगा, स्प्रेड होगा. और लिक्विड में अपना एक कोहेसिव फोर्स भी है, लिक्विड का अपना एक कोहेसिव फोर्स भी है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको वर्क ऑफ एडहेसन और वर्क ऑफ कोहेसन को डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जिससे कि हम स्प्रेडिंग कोफिशेंट डिटरमाइन कर सकते हैं. आया समझ में, ठीक. अब इसको कैलकुलेशन भी आपको करना है, उसको लिख लें आप, ठीक. तो फर्स्ट वर्क ऑफ एडहेसन लिख लें. हम किस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, डब्ल्यू ए वर्क ऑफ एडहेसन. वर्क ऑफ एडहेसन इज इक्वल लिख लेना अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. Amount of energy, amount of energy needed to break the attraction between unlike molecule. जैसे हमने surface free energy में देखा था ना, W surface free energy कैसे determine करते हैं, work done, ठीक है ना, कितना work किया जाता है उस liquid को separate करने में. तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी दो unlike molecule के बीच में जो layer है तो इसको break करने के लिए कितना work किया जाए, तो उसको क्या हम बोलेंगे, वर्क ऑफ एडहेसन. कि दो अनलाइक मॉलिक्यूल को अलग ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलेंगे वर्क ऑफ एडहेसन. अब दो मॉलिक्यूल है तो इसको हम फिर से समझते हैं. तो आपका एक मॉलिक्यूल एल है तो इसका क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा. क्या होगा इसका, सरफेस टेंशन. तो बेंजीन के मॉलिक्यूल का सरफेस टेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, लैम्डा एल से. किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, लैम्डा एल से. इसका जो सरफेस टेंशन है लैम्डा एल से, और इसका जो सरफेस टेंशन होगा वो किससे होगा, लैम्डा एस से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक. सेकंड हम बात करें, जब ये लिक्विड आपस में अटैच्ड है, आपका कौन सा, वाटर और बेंजीन आपस में क्या है, अटैच्ड है. ये ऊपर क्या है आपका वाटर और नीचे क्या है आपका बेंजीन. जब ये आपस में अटैच है तो यहां पर कौन सा है, इंटरफेस है. तो इंटरफेस में क्या होगा, इंटरफेसियल टेंशन. इंटरफेस में क्या होगा, इंटरफेसियल टेंशन. इंटरफेसियल टेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरफेसियल टेंशन एस और एल. एस और एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन बेंजीन एंड वाटर, बेंजीन एंड वाटर. तो वर्क ऑफ एडहेसन में क्या होगा आपका, आपका ये चीज आ जाएगा, एक तो आपका सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक, प्लस आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना ये. और इसमें माइनस हो जाएगा आपका इंटरफेसियल टेंशन. तो वर्क ऑफ एडहेसन क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ठीक है ना, अनलाइक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है. तो अनलाइक मॉलिक्यूल्स में आपका क्या है, सरफेस टेंशन है, वो भी एनर्जी लगेगी ना, वो उनका जो सरफेस टेंशन है वो. इंटरफेसियल टेंशन तो आपका माइनस हो रहा है ना, मतलब इंटरफेसियल टेंशन आपका क्या हो जाएगा. तो वर्क डन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एस. मतलब आपका जो बेंजीन है उसका सरफेस टेंशन क्या है ये डिटरमाइन हम कर सकते हैं, प्लस आपका जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन क्या है ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक. और इंटरफेसियल टेंशन उसका क्या है इसको डिटरमाइन कर लेंगे और इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा,
वर्क ऑफ एडिशन निकल के आ जाएगा। तो वर्क ऑफ एडिशन में ये वैल्यूज कहां से आई ये समझाने के लिए ये आपको एक्सप्लेन किया गया। वर्क ऑफ एडिशन में जब हम बात करते हैं वर्क ऑफ कोहेशन, सेकंड आपका क्या है, क्या निकालना है हमको, वर्क ऑफ कोहेशन निकालना है। क्या चीज निकालना है? वर्क ऑफ कोहेशन। तो वर्क ऑफ कोहेशन में लिखना WC इज इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू सेपरेट द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, मतलब आपका ऊपर वाला लिक्विड कौन सा है, बेंजीन है। ऊपर वाला लिक्विड क्या है, वर्क ऑफ कोहेशन किस में होता है, लाइक मॉलिक्यूल में होता है। ऊपर वाला लिक्विड क्या है, मान के चलो ओनली बेंजीन है, तो हमको पहले क्या करना था, बेंजीन और वाटर की लेयर को अलग करना था, तो उसके साथ में आपका सरफेस टेंशन दोनों का भी एडिट था ना। वर्क ऑफ एडिशन में जब हम बात करते हैं, वर्क ऑफ एडिशन निकालना है, तो वर्क रिक्वायर्ड टू डिटैच ब्रेक द लेयर, तो उसके साथ में हमको ब्रेक करने के साथ में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसमें ये भी चीज इंक्लूड हो रही थी, सरफेस टेंशन ऊपर वाले लिक्विड का नीचे वाले लिक्विड का। लेकिन जब हम बात करते हैं ओनली बेंजीन के लिक्विड की, तो उसके दो मॉलिक्यूल को अलग करना है, उसी के दो मतलब उसके ही मॉलिक्यूल है उसको अलग करना है, तो वर्क ऑफ इसमें इंटरफेस तो है ही नहीं, इंटरफेस नहीं है ना, तो आपका लैम्डा एस एल तो हट ही जाएगा, और इसमें दूसरा सबस्ट्रेट वाला भी नहीं है, मतलब केवल क्या है आपका सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन बस है। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो बेंजीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, टू मॉलिक्यूल, किसके लिए, डब्ल्यू सी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। ठीक, अब इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका दो पार्ट में ये दो सर्फेसिस बनी है, इसका सर्फेस टेंशन क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, और दूसरे वाले ड्रॉपलेट का सर्फेस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। तो डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी हो जाएगा आपका टू लैम्डा एल, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, आया समझ में। तो डब्ल्यू सी, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू सी की वैल्यू पुट कर दें, स्प्रेडिंग कोफिशियंट इज इक्वल लैम्डा एल प्लस लैम्डा एस माइनस, ये कहां से निकल के आया था, वर्क ऑफ एडिशन, वर्क ऑफ एडिशन से निकल के आया था, माइनस क्या माइनस कर देंगे आप, टू लैम्डा एल। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, स्प्रेडिंग कोफिशियंट। आप इतना पूरा कैलकुलेशन नहीं भी बताएंगे तो एग्जाम में चले गए, यदि बहुत छोटा पूछा जाता है तो आप ये भी बता सकते हैं स्प्रेडिंग कोफिशियंट क्या होता है, ठीक है ना, स्प्रेडिंग क्या होती है, एग्जाम्पल बता देंगे कि जब ड्रॉपलेट ऑफ ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल उसकी ड्रॉपलेट को वाटर के ऊपर प्लेस्ड करते हैं तो वो लिक्विड उसमें क्या करने लगती है, स्प्रेड होने लगती है, और इसको हम स्प्रेडिंग कोफिशियंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्प्रेडिंग कोफिशियंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्प्रेडिंग कोफिशियंट होता क्या है आपका, एस इज इक्वल वर्क ऑफ एडिशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ एडिशन एंड वर्क ऑफ कोहेशन, ठीक। और उसको यदि आपको आगे बताना है तो आप कोहेसिव एडहेसिव फोर्स भी बता सकते हो, कोहेसिव फोर्स भी बता सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स आप बता सकते हैं, पहला पॉइंट क्या बताएंगे आप, स्प्रेडिंग क्या है, दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, स्प्रेडिंग कोफिशियंट क्या है, तीसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे, वर्क ऑफ एडिशन क्या है, वर्क ऑफ एडिशन क्या है या एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल, बेंजीन एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लग रहा है दैट इज एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना, और केवल बेंजीन और बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, इसको बता दिया। अब डब्ल्यू सी क्या है, वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, और डब्ल्यू ए क्या है, वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एंड वाटर, आया समझ में। तो वर्क ऑफ एडहेशन और वर्क ऑफ ये निकल आएगा, तो ये कैसे निकल के आए, जब आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये कैलकुलेशन दिखेगा आपको, तो ये कहां से निकल के आया, इसमें ये सरफेस टेंशन इसका भी अप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और दोनों के बीच का इंटरफेसियल टेंशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और इसमें केवल क्या है आपका सरफेस टेंशन ऑफ बेंजीन एप्लीकेबल होगा, इस तरीके से कैलकुलेशन निकल के आएगा। इसके बाद में इसके एप्लीकेशंस लिख लें, स्प्रेडिंग कोफिशियंट इज कैलकुलेटेड फॉर डोजेस, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट इज अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल यूज, इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है,
सेकंड एडजॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। पहला क्या है? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेकंड दैट इज अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल यूज आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड थर्ड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इसके बाद में नेक्स्ट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्फेक्टेंट। ये आपको फाइनल ईयर इंडस्ट्री तक में ये आपको सर्फेक्टेंट जो है पूछा जाएगा। ठीक, तो सर्फेक्टेंट को समझते हैं क्या होता है। लिखें सर्फेक्टेंट, मॉलिक्यूल और आयन। ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयन दैट आर एड्सॉर्ब्ड एट सरफेस और इंटरफेस। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल और आयन्स। ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, दैट आर एड्सॉर्ब्ड एट सरफेस और इंटरफेस। मतलब ये किसी भी सरफेस और इंटरफेस पर क्या होते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं एंड रिड्यूस सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट की यदि जनरली बात करें तो ये एक तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं या तो आयन हैं, जो कि क्या करते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं किसी भी सरफेस और इंटरफेस पर और क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को। ठीक, और साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? दे विल रिड्यूस द सरफेस फ्री एनर्जी, ऑल्सो रिड्यूसेस सरफेस फ्री एनर्जी, और सरफेस फ्री एनर्जी को भी रिड्यूस करते हैं। दूसरा पॉइंट जो आप सर्फेक्टेंट के बारे में बता सकते हैं, यदि सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो सर्फेक्टेंट हैव टू पार्ट्स या टू ग्रुप्स। ठीक है ना, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं? हैव टू ग्रुप, मतलब एक सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल में दो ग्रुप होते हैं। एक होता है उसमें वाटर सॉल्युबल पार्ट और एक होता है लिपिड सॉल्युबल पार्ट। एक कौन सा होता है? वाटर वाला पार्ट, और एक होता है लिपिड वाला पार्ट। तो वाटर में जो है तो वाटरफिलिक हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, और जो वाटर का एंटी है हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना, इट हैज टू ग्रुप, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड सेकेंड इज हाइड्रोफोबिक। बोले आप लोग? हाँ, हाइड्रोफोबिक एफिलिक एंड हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। जनरली क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। क्या होता है? हेड। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? टेल। इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यदि आप सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को देखें तो वो इस तरीके का दिखता है। ये क्या होता है? ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है इसका, ऑर्गेनिक या जो आपका लिपिड सॉल्युबल पार्ट हो, इसलिए इसको लिपोफिलिक भी बोलते हैं। जैसे इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? लिपोफिलिक। और ये आपका हेड हो जाएगा पोलर, इसको पोलर बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक, सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। मतलब कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज एमपी फाइल्स, ठीक है ना, एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज एमपी फाइल्स, तो सर्फेक्टेंट्स आर एमपी फाइल्स। एमपी फाइल्स का मतलब होता है, एमपी फाइल्स मतलब जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट्स भी है और लिपोफिलिक पार्ट्स भी है। तो इसी पॉइंट्स को आप डिफाइन करने के लिए आप ये भी बता सकते हैं कि सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं। सर्फेक्टेंट्स आर एमपी फाइल्स इन नेचर, एमपी फाइल्स। ये वोकैबुलरीज है, याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे मान के चलो आपसे बायो में पूछ लिया कि हम सर्फेक्टेंट को एम्पीफिलिक क्यों बोलते हैं, एम्पीफिलिक क्यों बोलते हैं, या एम्पी फाइल्स क्या होते हैं। तो एम्पी फाइल्स क्यों है ये? क्योंकि इसमें दोनों तरीके की सॉल्युबिलिटी होती है, एक वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं और दूसरा
लिपिड में भी सॉल्युबल होते हैं, इसलिए एमपी फाइल्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, एक पोलर पार्ट होता है जिसको हम हाइड्रोफिलिक हेड भी बोलते हैं, और एक टेल होती है जिसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लिखना, जनरली मान के चलो इसमें एक एग्जाम्पल बता देना कि मान के चलो आपका दो सिस्टम है, एक आपका है ये नीचे वाटर और एक ऊपर ऑयल है आपका, तो पोलर मतलब वाटर, तो आपका सर्फेक्टेंट का जो हेड रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, वाटर वाले डायरेक्शन में। हेड कहाँ रहेगा उसका, वाटर वाले डायरेक्शन में, और उसकी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कहाँ रहेगा, ऑयल वाले पोर्शन में। इस तरीके से वाटर और ऑयल, और दोनों के बीच में कौन है, सर्फेक्टेंट, तो दोनों के बीच में सर्फेक्टेंट है तो वो क्या करेगा, ऑयल एंड वाटर को पकड़ के रखेगा, ऑयल एंड वाटर को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, आप जो डिटर्जेंट यूज कर, डिटर्जेंट आप लोग या हम लोग जो यूज करते हैं, तो डिटर्जेंट में भी सर्फेक्टेंट होते हैं, डिटर्जेंट में क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं। जनरली यदि हम देखें तो आप नॉर्मल सिंपल पानी से यदि कपड़ों को धोलोगे तो उसका जो ऑयल या डस्ट पार्टिकल है उतने साफ नहीं होंगे, लेकिन जब हम निर्मा वगैरह डिटर्जेंट से धोलते हैं तो क्या होता है, साफ हो जाता है। अब आपने देखा होगा निर्मा में भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, कुछ निर्मा जो रहेंगे मतलब, हाँ वो एडवर्टीजमेंट भी आता है कि थोड़े से निर्मा में पूरा वाइट आपका जो है, टाइड है तो वाइट है फलाना ठिकाना, है ना, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एडवर्टीजमेंट द पैटर्न। तो जनरली वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, दे टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्फेक्टेंट, दे टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्फेक्टेंट, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा अच्छा साफ हो जाएगा, मतलब सर्फेक्टेंट उसमें जो है गुड क्वालिटीज के हैं, ठीक है ना। और जिनमें बात करते हैं, हाँ तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट, दे फॉर्म द माइसेल, ठीक है ना, या मिसेल बनाते हैं। मिसेल्स कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, तो मिनिमम क्वांटिटी सर्फेक्टेंट में जब हम क्या करते हैं, जब सर्फेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है ना, एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल ऑफ सर्फेक्टेंट, एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल ऑफ सर्फेक्टेंट एसोसिएट इनटू स्मॉल एग्रीगेट्स, एसोसिएट इनटू स्मॉल एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब झुंड ग्रुप, ठीक है ना, मतलब क्या है, एक कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, हर एक सर्फेक्टेंट की तो बहुत सारी वैरायटी है, तो कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में जब हम इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं तो एक कॉन्सेंट्रेशन सर्फेक्टेंट की ऐसी आती है, यहां ध्यान दें, सर्फेक्ट जैसे आपसे कोई पूछेगा मिसेल या माइसेल है क्या, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, जनरली क्या है, एक तरीके का स्ट्रक्चर है, जनरली क्या है, ये स्मॉल एग्रीगेट है। यदि कोई आपसे पूछे मिसेल या माइसेल है क्या, आप क्या बोलेंगे, इट इज अ स्मॉल एग्रीगेट। किस चीज का एग्रीगेट है ये, सर्फेक्टेंट का, कब है, एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, आपके मॉलिक्यूल ऑफ सर्फेक्टेंट एसोसिएट इनटू स्मॉल एग्रीगेट्स एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ठीक। अब वो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके से राउंड एक बना रहेगा, ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 12th में 11th में पढ़ा होगा आपने, ये सर्फेक्टेंट का क्या है, सर्फेक्टेंट का ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है और अंदर क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, मतलब जैसे मान के चलो ये ऑयल ड्रॉपलेट है और बाहर क्या है, वाटर की वाटर है, ये क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है और चारों तरफ क्या है, वाटर है, तो जो उसका फेस रहेगा सर्फेक्टेंट का जो हेड रहेगा वो किस साइड रहेगा, वाटर की ओर रहेगा, और जो उसका जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो किस तरफ रहेगा, ऑयल तरफ रहेगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लिया, तो इस स्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन क्या है, इस स्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन क्या है, यदि कोई सर्फेक्टेंट मिसेल फॉर्म या माइसेल बना रहा है तो भैया इसमें एज अ फार्मासिस्ट और एज अ फार्मासिस्ट या इंडस्ट्री में इसका बेनिफिट क्या है, बेस्ट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कहलाता है, जो जितनी कम क्वांटिटी में माइसेल फॉर्म कर लेगा वो बेस्ट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कहलाएगा,
ठीक है ना। तो समझ में आया, मतलब ये बेस्ट सॉल्युबलाइजिंग, जैसे डस्ट पार्टिकल ऑयली है तो हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम कौन, हाँ यहाँ पर मिसाइल आ गया, यहाँ पर एक और वर्ड आ जाता है सीएमसी, दैट इज क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन ये पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, व्हाट इज क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है ना, दैट फॉर्म द माइसेल, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अब हर एक सर्फेक्टेंट क्या होगा, अलग अलग क्वांटिटी में माइसेल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा या माइसेल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है ना, इन विच इट फॉर्म माइसेलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। अब समझ में आया, जो डिटर्जेंट बहुत कम क्वांटिटी में माइसेल स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएगा, माइसेल स्ट्रक्चर फॉर्म बनाएगा, वो जल्दी डस्ट पार्टिकल को और कपड़ों से जो इम्प्योरिटी है और जो डर्ट वगैरह उसको जल्दी हटाएगा। अब समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या है डिटर्जेंट्स का मार्केट में बिकने का, कि उनका जो डिटर्जेंट है वो कम से कम क्वांटिटी में क्या स्ट्रक्चर बना लेता है, इसीलिए कम क्वांटिटी में ज्यादा वो आउटपुट देता है। तो ये एक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो एक सर्फेक्टेंट में हमको क्या क्या बताना है, कि सर्फेक्टेंट है क्या, फिर सर्फेक्टेंट में एम्पीफाइल क्या होता है, फिर सर्फेक्टेंट में आपका जब मान के चलो वाटर एंड ऑयल में है तो वाटर साइड उसका हेड होगा और जो ऑयल है ऑयल साइड में क्या होगा, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होगा, ये आप बता देंगे। फिर उसके बाद में माइसेल क्या होता है और क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये बता देंगे हम, ठीक। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट, नेक्स्ट हमको क्या बताना है, ठीक। अच्छा एम्पीफाइल्स क्यों बोलते हैं सर्फेक्टेंट को, बिकॉज दे कंटेन बोथ द पार्ट्स, उनमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, मतलब वाटर वाले पार्ट्स और लिपिड वाले पार्ट दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट, टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट तो यदि देखें तो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, लेकिन बहुत शॉर्ट में आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बायवा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए लिख ले आप, है ना। चार कैटेगरी बनाएंगे आप, फर्स्ट लिखना एनायनिक सर्फेक्टेंट, कौन सा, सेकेंड लिखना कैटायनिक सर्फेक्टेंट, थर्ड है आपका नॉन आयनिक और फोर्थ है आपका एम्फोलाइटिक। और एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, अब कोई आपसे पूछ लेगा एनायनिक कैटायनिक नॉन आयनिक और एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट है क्या, तो दिस इज द टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट। मतलब जो सर्फेक्टेंट है वो इतने टाइप के हो सकते हैं, एक आपके एनायनिक होते हैं, कैटायनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं और एम्फोलाइटिक होते हैं। बेसिकली डिवीजन किस बेस पर किया है, द चार्ज दे हैविंग, उनमें जो ज़्यादातर चार्ज होगा उसके बेसिस पर ये किया जाता है। तो एनायनिक में लिखना, ठीक, पॉइंट पॉइंट बस लिखते जाना, एनायनिक सर्फेक्टेंट हैव लार्ज एनायनिक चार्ज, है ना। एनायनिक सर्फेक्टेंट में क्या है, लार्ज एनायनिक चार्ज, एनायनिक मतलब हाँ नेगेटिव चार्ज, लार्ज एनायनिक चार्ज एंड स्मॉल कैटायनिक चार्ज, लार्ज एनायनिक चार्ज एंड स्मॉल कैटायनिक चार्ज। जनरली जो एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, अब कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, जो एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं इनके यदि हम टेस्ट की बात करें तो अनप्लीजेंट होता है, ठीक है ना। तो इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। तो इस कारण से यदि हम देखें तो दे आर नॉट इंटरनल, इनका यूज कम से कम होता है, ठीक है ना। तो नॉट सुइटेबल फॉर इंटरनल यूज, नॉट सुइटेबल फॉर इंटरनल, इंटरनल यूज के लिए ज्यादा सुइटेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना सोडियम लॉरियल सल्फेट, सुना होगा ना, लॉरियल वर्ड्स बहुत कॉमन सुना होगा, लॉरियल सल्फेट, लॉरियल के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बेसिकली सर्फेक्टेंट के नाम पे बने हैं वो प्रोडक्ट्स के नाम, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है आपका, और सोडियम सिटाइल सल्फेट, सोडियम लॉरियल सल्फेट और सिटाइल सल्फेट, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल किस चीज का है आपका, एनायनिक सर्फेक्टेंट।
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट को याद रखना या इनके बारे में जानकारी होना। तो जनरली आपने देखा होगा लॉरियल प्रोडक्ट कैसे होते हैं, लॉरियल वाले आपके एक्सटर्नल यूज जो होते हैं, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के होते हैं, उसमें इस तरीके के सर्फेक्टेंट का यूटिलाइजेशन होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट। या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए SLS का फुल फॉर्म क्या है, सोडियम लॉरियल सल्फेट, SLS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है सोडियम लॉरियल सल्फेट जो है इट इज यूज्ड इंटरनल जो प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो ज्यादातर ये नॉट सुइटेबल फॉर इंटरनल यूज बिकॉज ऑफ द अनप्लीजेंट टेस्ट, और दूसरा ये एक्सटर्नल उसमें यूज किया जाता है, और इट इज द टाइप ऑफ एनायनिक सर्फेक्टेंट, इट इज द टाइप ऑफ एनायनिक सर्फेक्टेंट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटायनिक सर्फेक्टेंट की, समझ में आ रहा है। दूसरा हम बात करते हैं कि दूसरा टाइप होता है कैटायनिक का, जैसे इसमें लार्ज एनायनिक ग्रुप था तो इसमें क्या हो जाएगा, लार्ज कैटायनिक ग्रुप प्रेजेंट इन कैटायनिक सर्फेक्टेंट, लार्ज कैटायनिक ग्रुप। अब ज्यादातर जो कैटायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं ये एज अ माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है लार्ज कैटायनिक ग्रुप एंड मोस्टली दे आर यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल। आपसे कोई पूछेगा कौन से टाइप के सर्फेक्टेंट जो है एंटी माइक्रोबियल यूज्ड होते हैं, इसका जो एक एग्जाम्पल है वो ही अपने आप में कई बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपका प्रिजर्वेटिव, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका एग्जाम्पल आता है बेंज एल्कोनियम क्लोराइड यूज्ड एज, कॉमनली यूज्ड एज, ठीक है ना। तो वहां पर सर्फेक्टेंट भी लिखा रहता है, सर्फेक्टेंट, फिर आपका प्रिजर्वेटिव, फिर एक दो और भी लिखा रहेगा। तो कॉमनली यूज एज प्रिजर्वेटिव बट इट इज कॉमनली यूज एज बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल लिख लें, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जनरली क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं, बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, ठीक। तो कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, लार्ज कैटायनिक ग्रुप होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं और एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, और एग्जाम्पल में आपका जाएगा बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। एक और लिख लेना सिट्रीमाइट, फिर नेक्स्ट लिखना नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। जनरली यदि फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सर्फेक्टेंट है तो वो आपका नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, फार्मास्यूटिकली है तो सभी फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन इन सभी में यदि सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट के फार्मेसी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या हो जाएंगे, ये नॉन डिसोसिएबल आपके सर्फेक्टेंट हो जाएंगे, ये जो डिसोसिएट नहीं होते हैं मतलब प्लस और माइनस में, नॉन डिसोसिएबल सर्फेक्टेंट, एंड दीज आर फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट, फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट। इनको ऐसा डिफरेंट के डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट जैसे एनायनिक में लार्ज एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक में नॉन डिसोसिएबल, ना तो कैटायनिक ना तो एनायनिक, फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट मतलब इनर्ट होते हैं जनरली। एक और चीज क्या है, जब ये प्लस और माइनस मतलब एनायनिक नहीं है ना तो कैटायनिक है तो दे विल रजिस्ट द चेंज इन पीएच, मतलब जो पीएच में चेंज होगा यदि मान के चलो किसी डोजेस फॉर्म में है और किसी कारण से एनवायरनमेंट चेंज के कारण पीएच चेंज हो रहा है तो ये पीएच चेंज में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो रजिस्ट द चेंज इन पीएच, ठीक। यदि कोई पीएच में चेंज आया किसी प्रिपरेशंस में तो ये इनमें उतना फर्क नहीं पड़ता है जो आपके नॉन आयनिक होते हैं। एग्जांपल्स लिख लें इसमें ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल ईस्टर, ग्लाइकॉल ईस्टर, ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकॉल ईस्टर्स।
जनरली इमल्सन्स जो बनते हैं उनमें हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स इनके लिख लें, ट्विन एंड स्पान बहुत कॉमन है, ट्विन एंड स्पान. और आपको बता दूं ट्विन और स्पान के फुल फॉर्म भी आते हैं एग्जाम में, ट्विन और स्पान के फुल फॉर्म भी आते हैं, ठीक है ना. पॉलीसॉर्बेट मोनोओलिएट करके फुल फॉर्म है इसका, फुल फॉर्म आप लोगों को देखना है. ट्विन और स्पान का फुल फॉर्म क्या है, अलग अलग आते हैं ये, इनकी अलग अलग वेराइटी होती है. ट्विन 80, ट्विन 60, ट्विन 20, स्पान 60, ठीक. तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्विन है और स्पान है, जनरली जैसे हमको जब इमल्सन बनाना होगा तो ऑयल इन वाटर, मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसमें ट्विन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना. और वाटर इन ऑयल, जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसमें स्पान का यूज़ करेंगे. मतलब स्पान जो है इसमें लिपोफिलिक मॉइटी ज़्यादा होती है, और जो ट्विन है उसमें वाटर सॉल्युबल मॉइटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना. मतलब यदि देखें तो ट्विन की इनमें सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी और कौन से टाइप का सर्फेक्टेंट होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं. एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं एच एल बी वैल्यू. क्या बोलते हैं? एच एल बी वैल्यू. तो जो एच एल बी वैल्यू ट्विन की होती है वो ज़्यादा होती है और स्पान की कम होती है. तो ट्विन जो है आपका वाटर जिसमें ज़्यादा होगा उसके लिए यूटिलाइज करते हैं, और स्पान किसमें होगा? हाँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं फ्यूचर में तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक. फिर नेक्स्ट लिखना आप एम्फोलाइटिक और एम्फोटेरिक. जनरली एम्फोलाइटिक और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग एनायनिक की तरह भी बिहेव करेंगे और कैटायनिक की तरह भी बिहेव करेंगे. यदि एल्कलाइन है आपका, ठीक है ना, एल्कलाइन आपका सॉल्यूशन है तो वहां पर ये एनायनिक की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना. याद रखना ए और ए, एनायनिक एल्कलाइन में. और यदि आपका क्या है, एसिड है, तो एसिड में ये क्या करेंगे, कैटायनिक. एल्कलाइन में एनायनिक, और जब आपका एसिड मीडियम होगा तो कैटायनिक. मतलब ये क्या है, पीएच डिपेंडेंट है. ये क्या थे आपके, रजिस्ट द पीएच चेंज, ठीक है ना. रजिस्ट द चेंज इन पीएच, मतलब जो पीएच में चेंज होगा उस समय ये रजिस्ट कर जाएंगे, उसको टॉलरेट कर जाएंगे. लेकिन यदि पीएच चेंज होगा तो ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन पीएच, ठीक. इसमें एग्जांपल लिख लेना लेसिथिन. और एक और लिख लेना एन डोडिसाइल एलानाइन. एन ठीक, सबसे ज्यादा जो है आपका फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट कौन सा है, नॉन आयनिक. अब मान के चलो आपसे कोई सर्फेक्टेंट के बारे में पूछता है, अब क्या क्या बता सकते हैं आप, सर्फेक्टेंट क्या है, एम्फीफिलिक नेचर क्या होता है इनका, माइसेल क्या है, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है ना, सर्फेक्टेंट के टाइप क्या है. और एक और पॉइंट बता देना कि इनको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि टाइप और कितना क्वांटिटी में यूज होगा, उसके लिए हम एच एल बी वैल्यू यूज करते हैं. ये आपको अलग से है एच एल बी वैल्यू, सिलेबस में अलग से एच एल बी वैल्यू का क्वेश्चन. फिर इनके एप्लीकेशन क्या है, तो जनरली एप्लीकेशन देखें तो यहीं पर लिखा है, अलग अलग आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो. कैटायनिक सर्फेक्टेंट मोस्टली यूटिलाइज इन द एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एज अ प्रिजर्वेटिव, एग्जाम्पल बेंजल्कोनियम क्लोराइड, ठीक. फिर आपका जनरली हम बात करें एनायनिक सर्फेक्टेंट, आपका सोडियम लॉरियल सल्फेट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूटिलाइज होते हैं, इमल्सन की स्टेबिलिटी में यूज़ होते हैं ये, ठीक है ना. सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करने में यूज़ होते हैं, ठीक. किन्हीं दो प्रोडक्ट मिक्स नहीं हो रहे उनको मिक्सिंग करने में यूज़ होते हैं, या दो लिक्विड इमिसेबल हैं उनको मिक्सिंग करने में यूज़ होते हैं. इस तरीके से इनका एप्लीकेशन आप बता सकते हैं. आया समझ में? सो थैंक यू वेरी मच. ओके, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं सब लोग, मजे में? ठीक. तो यूनिट थर्ड जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो जी पैट वगैरह में पूछा ही जाता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही, एंड दैट इज एच एल बी वैल्यू. व्हाट साथ में हम क्या देखेंगे एच एल बी वैल्यू के साथ में, आपके कुछ टॉपिक्स हैं लाइक एडजॉर्प्शन, ठीक है ना.
कौन सा टॉपिक है आपका? एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में दो टॉपिक दिए हुए हैं आपका। एक दिया है कि एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस और एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस, ये दिया हुआ है। फिर उसके साथ में दो सब टॉपिक हैं उसमें जो हमारे बचे हुए हैं, दैट इज सॉल्यूबलाइजेशन और एक आपका डिटर्जेंसी। ये हमको टॉपिक्स को डिफाइन करना है। तो एग्जाम में जब हमसे पूछा जाएगा एच एल बी वैल्यू और एच एल बी वैल्यू या एच एल बी स्केल, तो सबसे पहले तो ये एक क्या है, एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है जिसको कि आपको क्या एलैबोरेट करना है या इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एच एल बी स्टैंड्स फॉर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। किस चीज के लिए है ये? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। तो कई लोगों को हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक में प्रॉब्लम जाती है समझने में। तो जनरली ये ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्रुप मतलब आपके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें दो तरीके के ग्रुप होते हैं। आपका एक हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर वाला पार्ट जो जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा, जिसको कि कई बार हम पोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर पार्ट या वाटर सॉल्युबल पार्ट, ठीक है ना, याद रखना कभी पोलर आपसे पूछा जाता है। और दूसरा लिपोफिलिक में जब हम बात करते हैं तो लिपोफिलिक को हम नॉन पोलर भी बोलते हैं, मतलब ऑयल वाला पार्ट, नॉन पोलर, ऑयल सॉल्युबल पार्ट और वाटर सॉल्युबल वाले पार्ट एक ही सब्सटेंस में होते हैं और उसका बैलेंस होता है एक, ठीक है ना। उसके बेसिस पर क्या होता है, जनरली ये जो टर्म है एच एल बी वैल्यू इज गिवन टू द सर्फेक्टेंट। किसको दी गई है? बेसिकली यदि हम बात करें तो सर्फेक्टेंट के लिए ये टर्म हम यूज करते हैं, क्या? एच एल बी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एच एल बी का फुल फॉर्म तो हमको पता चल गया, वॉट इज एच एल बी, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। इस स्केल को ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हु इंट्रोड्यूस्ड एच एल बी स्केल, एच एल बी स्केल को जो इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है। अब ये एच एल बी से हमको पता क्या चलता है, इसका कोई फॉर्मूला है क्या, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरली एच एल बी की बात करें तो एच एल बी, द टर्म एच एल बी वैल्यू इज गिवन टू द सर्फेक्टेंट, द टर्म एच एल बी इज गिवन टू द सर्फेक्टेंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, एच एल बी इज द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है ना, एंड दिस इज द वैल्यू गिवन टू द सर्फेक्टेंट, ठीक, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस एंड दिस इज द वैल्यू गिवन टू द सर्फेक्टेंट। अब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेक्टेंट एंड दे आर अप्लाइड और एम्प्लॉयड इन अ डिफरेंट क्वांटिटी। तो एच एल बी से हमको पता क्या चलता है सर्फेक्टेंट के बारे में, एच एल बी टेल्स द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट। एच एल बी किस चीज को इंडिकेट करती है? एच एल बी इंडिकेट्स टाइप्स एंड क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक। जैसे हम पीएच स्केल पढ़ते हैं ना, तो पीएच स्केल में हमको पता है 1 to 7 तक की वैल्यू किस चीज को इंडिकेट करती है, एसिड को, एंड 7 to 14 तक की वैल्यू किसको इंडिकेट करती है। अब हम बात करेंगे, हमसे पूछा गया एच एल बी वैल्यू या तो एच एल बी स्केल। अभी हमने जस्ट एच एल बी को डिफाइन किया, अब हम बताएंगे व्हाट इज एच एल बी स्केल, एच एल बी स्केल क्या है। सभी को समझ में आया एच एल बी वैल्यू क्या है, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट एक ऐसे केमिकल एंटिटी होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक वाला पार्ट होता है। जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्फेक्टेंट का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड होता है, लेकिन सर्फेक्टेंट के बारे में हमको कोई चीज़, सर्फेक्टेंट है क्या, कितनी क्वांटिटी में अप्लाई होगा, उसको हमको बताने के लिए या जो जितने भी सर्फेक्टेंट होते हैं उनको एक वैल्यू दी जाती है जिसको हम एच एल वी वैल्यू कहते हैं। अब एच एल वी वैल्यू है तो कोई उसका स्केल भी होगा, तो एच एल वी स्केल क्या है? दिस स्केल वैल्यूज में जनरली 1 to 20 तक आर गिवन, ठीक है ना, इन एच एल वी स्केल द वैल्यू, ठीक है ना, एच एल बी वैल्यू आर गिवन 1 to 20। याद रहेगा जैसे हमारा जो पी एच स्केल है उसमें 1 to 14 सोरेनसन पी एच स्केल, तो दिस पी एच स्केल वॉज गिवन बाय ग्रिफिन, ठीक है ना, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एच एल बी स्केल को इंट्रोड्यूस किया था एंड ही गिवन, ठीक है ना, ही गेव 1 to 20 पॉइंट्स इन एच एल बी स्केल।
अब यदि हम बात करें HLB स्केल की, तो एग्जाम में भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। HLB स्केल की बात करें तो HLB 1 से लेके 20 तक, और यहां सेंटर में हम 10 लिख देते हैं। तो जनरली 1 से 10 तक की बात करें तो ये लिपोफिलिक मॉइटी को इंडिकेट करता है, मतलब इस 1 से 10 तक के जो ज्यादातर आपके मोस्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट बिलोंग्स टू द लिपोफिलिक कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? लिपोफिलिक, मतलब किसी आपका सर्फेक्टेंट है कोई या कोई इमल्सिफाइंग एजेंट है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? लिपोफिलिक। और यदि हम बात करें 10 टू 20 तक, तो ये हाइड्रोफिलिक कैटेगरी में आ जाता है। किस में आ जाता है? हाइड्रोफिलिक। तो कितने पॉइंट्स हो गए? HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। याद रखना, कई बच्चे कुछ का कुछ लिखते हैं। अभी हम लोग बीच में एग्जाम में कॉपी चेक करने गए थे, तो पता नहीं पढ़ते पढ़ते उसने क्या समझ लिया, तो HLB बैलेंस जब उससे पूछा तो लिखता है हिप्लिकेशन लिप्लिकेशन तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। और बैलेंस को तो लिखता बिप्लिकेशन तो HLB का फुल फॉर्म उसमें लिखा था कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ HLB। तो HLB इज द हिप्लिकेशन लिप्लिकेशन एंड बिप्लिकेशन। सो प्लीज, क्या है HLB फुल फॉर्म? सब लोग बोले फर्स्ट, फिर से हाइड्रो वाटर फिलिक, मतलब वाटर में सॉल्युबल पार्ट, लिपो मतलब लिपिड, मतलब ऑयल, ऑयल में सॉल्युबल पार्ट, और उसका बैलेंस हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक उनमें मॉइटीज होती हैं, ग्रुप होती हैं, ठीक है। फिर आप बताएंगे HLV वैल्यू जो है सर्फेक्टेंट के लिए हम यूज करते हैं, वो उसका टाइप एंड क्वांटिटी जनरली बताते हैं HLV स्केल से। अब HLV स्केल उसमें कितने पॉइंट्स दिए हैं? स्केल में 1 टू 20 पॉइंट्स आर गिवन एंड द स्केल वाज गिवन बाय द ग्रिफिन। उसके बाद में यदि हम बात करें 1 टू 10 तक, यदि हम बात करें तो लिपोफिलिक को इंडिकेट करता है, और 10 टू 20 की बात करें तो हाइड्रोफिलिक को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम इसमें बता देंगे, यदि जैसे मान के चलो आपका कंडीशंस आप बता देंगे कि यदि लिपोफिलिक HLB वैल्यू कम है किसी सर्फेक्टेंट की, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कंडीशंस आप बता दें, इफ लिपोफिलिक HLB वैल्यू इज लेस, यदि कोई सर्फेक्टेंट है उसकी HLB वैल्यू लेस है, कम है, ठीक है ना। सो इट विल इंडिकेट द लिपोफिलिसिटी, मतलब यदि किसी सर्फेक्टेंट है उसकी HLB वैल्यू क्या है? लेस है, कम है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? आपको ये बताना है कि इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है ना। आपका कंडीशन वन क्या है? इफ HLB वैल्यू इज लेस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि HLB वैल्यू लेस है, कम है किसी सर्फेक्टेंट की, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? इट टेल्स कि यदि HLB वैल्यू कम है तो उसके हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक जो उसके पार्ट है, उसकी क्वांटिटी लेस है, ठीक है ना। तो लेस नंबर ऑफ HLB वैल्यू इंडिकेट्स लेस क्वांटिटी या लेस मॉइटी ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या होंगे इसमें? कम होंगे। अब हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम है तो जनरली यदि हम बात करें, इसमें क्वेश्चन जो बता रहा हूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसा इसमें पूछा जाता है, देयर इज अ इमल्शन, आपके दो टाइप के इमल्शन है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इमल्शन पता है आपको क्या होता है? इमल्शन बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। बायफेजिक क्यों बोलते हैं? इसमें ऑयल और वाटर अलग अलग रहता है, लेकिन उसको हम मिक्स नहीं बोलेंगे, डिस्पर्स कर देते हैं और उसको स्टेबलाइज्ड बनाने की कोशिश करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट से। ऑयल का मतलब यहाँ पर ऑयल कम क्वांटिटी में है, वाटर का मतलब इसके इस साइड में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ऑयल आपका लेस क्वांटिटी में है और वाटर यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, कोई सर्फेक्टेंट लिखा है उसकी HLV वैल्यू इतनी है, मतलब कम है, आप समझ जाएंगे यदि 8 से ऊपर उसकी वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या है? वो है, वो लेस, उसमें क्या है? हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम है उसमें। तो पूछा जाएगा ये कौन से इमल्सन में आपका यूटिलाइज्ड होगा, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इसमें यूज करेंगे हम, इसको किसमें यूज करेंगे? वाटर इन ऑयल में, क्योंकि लिपिड ग्रुप इसमें ज्यादा है, ऑयल ज्यादा है, तो जिसमें लिपोफिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे उसको यूटिलाइज करेंगे, जिसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम होंगे उसमें। अब वाटर इन ऑयल इमल्सन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि कोल्ड क्रीम में हम कौन सा HLV वैल्यू का इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे जिसकी HLV वैल्यू कम है, क्योंकि कोल्ड क्रीम क्या होती है आपकी? वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक। फिर इसकी कंडीशन हम सेकेंड बता देंगे,
इफ द एच एल वी वैल्यू हाई. अभी हम क्या बता रहे हैं, एच एल वी वैल्यू क्या है, एच एल वी स्केल क्या है. अब हम बता रहे हैं इफ द एच एल वी वैल्यू इज लेस तो सर्फेक्टेंट इज लिपोफिलिक एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर एंड ऑयल इमल्सन या कोल्ड क्रीम बनाने के लिए यूज्ड होगा. उसके बाद में सेकंड कंडीशन, इफ एच एल वी वैल्यू हाई. एच एल वी वैल्यू हाई है तो सेकंड पॉइंट हम ये बताएंगे कि इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप. इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप. इसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे. हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे मतलब ये कौन सा इमल्सन बनाने के लिए यूज होगा, ऑयल इन वाटर. मतलब क्रीम की बात करें तो कोल्ड क्रीम, और गर्मी में कौन सी क्रीम यूज करेंगे हम, वेनिसिंग क्रीम. वेनिसिंग क्रीम मतलब जो ऑयली ना हो, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो. ठीक, अब एच एल वी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना. सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एच एल वी वैल्यू. अब एच एल वी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जो आपके सर्फेक्टेंट होते हैं या जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें एक सेपोनिफिकेशन वैल्यू होती है. क्या होता है, इसको आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉरी इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा सेपोनिफिकेशन वैल्यू. आप इसको एल्कली से ट्रीट करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स जो है, तो उसमें से एक वैल्यू निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन वैल्यू. इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक और होता है एसिड वैल्यू, ठीक है ना, एसिड वैल्यू जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एच एल वी वैल्यू की हम बात करें, एच एल वी वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एस अपॉन ए. ठीक, एस किस चीज को इंडिकेट करता है, उस सर्फेक्टेंट की सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, और ए किस चीज को इंडिकेट करता है, उसकी एसिड वैल्यू क्या है. ठीक, इन सेपोनिफिकेशन वैल्यू को डिटरमाइन करने की प्रोसीजर अलग होती है और एसिड वैल्यू को डिटरमाइन करने की प्रोसीजर अलग होती है, ठीक है ना. यदि आपको एग्जाम में किसी चीज की, आपको बोल दिया गया कि सेपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ दिस सर्फेक्टेंट इज दिस एंड एसिड वैल्यू इज दिस, फाइंड आउट द एच एल वी वैल्यू, तो फिर आपको क्या करना है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको आ जाएगा. फिर उसके बाद में हम एप्लीकेशंस बता दें कि एच एल वी स्केल के एप्लीकेशंस क्या है. तो एप्लीकेशंस क्या है इसके, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ बायोफेजिक डोजेस फॉर्म. सेकेंड, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट. सिलेक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट. फिर जैसे हम सॉल्युबिलिटी टेबल में सॉल्युबिलिटी की टेबल पढ़ते ना, ठीक है ना, लेस देन 1 वेरी सॉल्युबल को इंडिकेट करता है, 1 to 10 फ्रीली, 10 to 30 सॉल्युबल, फिर 30 to 100 ऐसे वैल्यूज दी हुई है ना, वैसे एच एल वी वैल्यूज दी हुई हैं कुछ, उनको आपको लिख लेना है, ठीक है ना. फर्स्ट लिख लें 1, 1 to 3 मोस्टली ज्यादातर इसमें एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं. ठीक, आपको हो सकता है कुछ अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वैल्यू में फ्लक्चुएशन मिले, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना. 1 to 3 या कहीं 1 to 4 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है. ठीक, नेक्स्ट लिखना 3 to 8 कुछ बुक्स में 3 to 6 भी लिखा रहता है. मतलब वैल्यू इज लगभग 3 से 8 तक की वैल्यू की बात करें तो यहां पर यह आपका इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करेगा. और कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट, आपका एच एल वी वैल्यू कम है तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट. ठीक, कई बार ये पूछ लेते हैं वैल्यूज लिखकर, 3 to 8 या 3 to 6 तक की वैल्यू रहेगी तो आपको ध्यान में रखना है ये आपका ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट को इंडिकेट करता है. फिर इसके बाद में 8 to 16 की बात करें तो देखो 8 से 16 तक कौन सा आपका आ जाएगा इमल्सिफाइंग एजेंट, कौन सा हो जाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट.
फिर इसके बाद में नेक्स्ट 7 to 9 वेटिंग एजेंट एंड स्प्रेडिंग एजेंट. फिर आपका 13 to 16 डिटर्जेंट. तो डिटर्जेंट हो गया, ठीक है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया. ये सब क्या है, सर्फेक्टेंट को दी हुई टर्मिनोलॉजीज हैं. कोई आपसे बोले इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, तो दीज आर द सर्फेक्टेंट. डिटर्जेंट क्या है, सर्फेक्टेंट है. फिर आपका 16 to 20, अब 16 to 18 भी लिखा रहता कई बुक्स में, तो ये क्या होते हैं आपके सॉल्युबलाइजिंग एजेंट. ठीक, ऑलरेडी HLB के ऊपर मेरा एक वीडियो है उसमें, तो उसमें आपका सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की जो वैल्यू है 16 to 18 लिखी हुई है, ठीक है ना. तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वैल्यू को हम इतना वेरिएट कर सकते हैं. ये कॉमन वैल्यूज हैं, इंडिकेशंस हैं अबाउट द HLB वैल्यू. फिर आप HLB वैल्यू में स्टार्टिंग में एक पॉइंट और बता सकते हो कि यदि हम बात करें जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनमें HLB वैल्यू होती है, तो HLB वैल्यू में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो पोलर पार्ट होता है, ठीक है ना, पोलर हेड होता है. और यदि जो लिपोफिलिक पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है. ठीक, तो ये डायग्राम जब भी सर्फेक्टेंट का है तो ये इस डायग्राम को याद रखना, ये पोलर पार्ट और ये नॉन पोलर पार्ट, मतलब ये आपका वाटर सॉल्युबल और ये ऑयल सॉल्युबल पार्ट. ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट आपका है एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस एंड सॉलिड इंटरफेस. तो HLV वैल्यू किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्फेक्टेंट के लिए. सर्फेक्टेंट क्या होते हैं जनरली, यदि हम देखें एक जनरल तौर पर सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, हाँ, लेकिन अब उसके बाद में पूछे सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या है. ठीक, अब आपके पास में थोड़ा सा दो टर्मिनोलॉजी है, सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी. सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी. ठीक, सॉल्युबलाइजेशन की बात करें तो सॉल्युबिलिटी आपने पढ़ा होगा. सॉल्युबिलिटी क्या होता है किसी भी सब्सटेंस की, हाँ, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट. उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की, जैसे मान के चलो ये आपका सॉल्यूट है, ठीक, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्यूट की, ठीक है ना, क्या इस सॉल्यूट की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी इस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व की जा सकती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट. लेकिन हमने ये देखा कि कई सारे सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो कि आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं. कई सारे सॉल्यूट क्या होते हैं जो कि आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं. तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम कई सारी मेथड को अप्लाई करते हैं कि जिसके कारण क्या हो, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए. तो कई सारी मेथड होती हैं, उनमें से एक मेथड होती है सॉल्युबलाइजेशन. सॉल्युबलाइजेशन इज द मेथड, ठीक है ना, दैट इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग, ठीक है ना. सॉल्युबलाइजेशन क्या है, ये मेथड है. क्या है, मेथड, किस लिए है, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी. देन सॉल्युबिलिटी वर्ड आ गया, हमको पता सॉल्युबिलिटी क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. किसकी, ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग या ऑर्गेनिक ड्रग की बोल सकते हैं. पुअरली सॉल्युबल ड्रग बाय किसके द्वारा, बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट. By using surfactant. Surfactant. मतलब surfactant का यूज करके किसी पुअरली सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना सॉल्युबिलाइजेशन कहलाता है. तो सॉल्युबिलाइजेशन क्या है, मेथड है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. अब इसके लिए मैकेनिज्म क्या है, सॉल्युबिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक, और डिटर्जेंसी का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि दोनों का काम तो सर्फेक्टेंट है, तो दोनों में कॉमन मैकेनिज्म आ जाएंगे जो हमने सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ा अभी तक.
ठीक है ना, दे रिड्यूस द सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण पुअरली सॉल्युबल ड्रग जो रहती, मान के चलो ऑयल सॉल्युबल है, तो सर्फेक्टेंट का जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है दैट कंबाइन विद दैट हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड जो आपका वाटर लविंग पार्ट है दैट कंबाइन विद द वाटर, और उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर देते हैं, तो मैकेनिज्म वही रहेगा। अब डिटर्जेंसी में क्या है, जनरली यदि हम बात करें डिटर्जेंट, किसकी बात करें, डिटर्जेंट की बात करें, तो डिटर्जेंट में क्या है, डिटर्जेंट आर द एक तरीके का सर्फेक्टेंट ही, डिटर्जेंट क्या एक तरीके का सर्फेक्टेंट ही। डिटर्जेंसी क्या है, आपके सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट या ऑयल या ग्रीस, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोसेस, डिटर्जेंसी इज वॉट, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट ऑयल और ग्रीस फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस, इज कॉल्ड द डिटर्जेंसी, इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी समझ में आया, ठीक, बाय यूजिंग सर्फेक्टेंट। By using surfactant. तो solubilization क्या है? Method है solubility को increase करने की। Generally detergency में क्या, detergency में जो surfactant हम use कर रहे हैं वो भी क्या काम कर रहा है? एक तरीके से solubilization को कर रहा है, लेकिन dirt particle को, specifically removal of dirt, grease, oil from a solid surface is called the detergency. ठीक, अब दोनों में जो चीजें common आएंगी वो क्या होगा? Mechanism. दोनों में क्या जाएगा common? मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया सॉल्युबिलाइजेशन और डिटर्जेंसी, डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो अब इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या है, इसमें जनरली जो इनका मैकेनिज्म होता है जिसके बेसिस पर ये सॉल्युबिलाइज करते हैं, एक तो आपका माइसेल फॉर्मेशन हो गया, ठीक, फिर इसमें क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन जो इसकी पहली क्लास में पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आंसर आपका ब्रॉड हो जाएगा। याद है गौतम जी, हाँ नहीं थे क्या क्लास में, और नहीं आओ, ठीक है ना, लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा माइसेल क्या होता है और क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। फिर इसमें हम बता सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या है आपका, सॉल्युबिलाइजेशन और डिटर्जेंसी के एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन इन फार्मेसी क्या है, जनरली कोई ड्रग है वो किसी सॉल्वेंट के साथ में मिक्सडअप नहीं हो रही है तो वेटिंग के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना, सॉल्युबलाइज करने के लिए, डिटर्जेंसी टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल आपका फ्रॉम द सरफेस, ये। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन। तो सॉल्युबलाइजेशन और डिटर्जेंसी समझ में आया, सॉल्युबलाइजेशन में हमको क्या बताना है, मैथड दैट इन एनहेंस द सॉल्युबिलिटी, और डिटर्जेंसी क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डर्ट ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स, ठीक, फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस, और दोनों में, दोनों का कॉमन हीरो कौन है, दोनों का कॉमन हीरो कौन है, सर्फेक्टेंट, और फिर सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, दैट मॉइटी, दैट मॉलिक्यूल दैट कंटेन हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक पार्ट्स। कैसे मैकेनिज्म काम करेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उसका जो लिपोफिलिक वाला पार्ट है वो उससे कंबाइन हो जाएगा, और वाटर से कंबाइन क्या हो जाएगा उसका, हाँ, और अल्टीमेटली दे विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन। ठीक, पीछे एडजॉर्प्शन में कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बतानी पड़ेगी, जैसे कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, क्या, फिर आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक, पहले तो आपका जो सिलेबस में दिया हुआ उसको लिख ले, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, ठीक, और एडजॉर्प्शन
एट सॉलिड इंटरफेस, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस एंड एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। तो अब इसमें बताना क्या है आपको, मान के चलो एडजॉर्प्शन जनरली, सबसे पहले तो आपको इसी पॉइंट को डिफाइन करना है कि एडजॉर्प्शन क्या है, किस चीज को डिफाइन करना है, एडजॉर्प्शन क्या है। फिर उसके बाद में सेकंड हमको क्या डिफाइन करना है, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस है क्या, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस क्या है। फिर उसके बाद में पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में एडजॉर्बेंट क्या होता है, ठीक, एडजॉर्बेट क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में आपको डिफाइन करना है डिजॉर्प्शन क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में आपको ये बताना फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिर केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। फिर इसमें आपको एक और चीज पूछा जाएगा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, इतनी चीजें आपने बता दी तो आपका एडजॉर्प्शन का टॉपिक बहुत आसानी से एग्जाम में बन जाएगा। देखो पहली क्या टॉपिक था, केवल एडजॉर्प्शन, अब एडजॉर्प्शन में कितनी टर्म्स आ गई ना, यदि ये चीजें बन गई हमसे एग्जाम में फिर वो पूछ लेंगे कि फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, आइसो मतलब क्या होता है, एक सा, ठीक है ना, थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब कुछ नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके एडजॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया है और एडजॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसी सरफेस में एडजॉर्प्शन हो रहा है गैस का तो कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में, लेकिन इसमें एक स्टडी कर रहा है जिसको कि प्रेशर के एप्लीकेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एडजॉर्प्शन में, ठीक। तो यहां से हम समझना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एडजॉर्प्शन क्या है। तो एडजॉर्प्शन दोनों के लिए कॉमन क्या है, इट इज द सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, यहां से स्टार्टिंग से हम बताते हैं एडजॉर्प्शन। मतलब सरफेस में होने वाला एक इवेंट है जो केवल और केवल किसी सरफेस में होता है या इंटरफेस में होगा, दैट इज एडजॉर्प्शन। जनरली इसी के कंपैरिजन में यदि हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क का फिनोमेना है, मतलब कोई चीज बल्क में चली जाती है किसी चीज के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस में आपको क्या बताना है कि मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ गैस, लिक्विड या डिजॉल्व्ड सॉलिड, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल, आयन हो गए सॉलिड के और डिजॉल्व्ड सॉलिड, जब किसी सरफेस पर एड्जॉर्ब होता है तो उसको हमको, लिक्विड सरफेस पर एड्जॉर्ब होता है तो हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। तो एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस क्या है, लिख लें उसको, एडहेशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एडहेशन मतलब समझ गए ना, एडहीर होना मतलब दो जब डिफरेंट सरफेसेस आ जाती हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो हम वहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडहेशन। एडहेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयन फ्रॉम गैस, लिक्विड और डिजॉल्व्ड सॉलिड। एडजॉर्प्शन, एडहेशन ऑफ आयन मॉलिक्यूल और एटम फ्रॉम अ गैस, लिक्विड और अ डिजॉल्व्ड सॉलिड टू अ सरफेस, टू अ सरफेस, इट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। मतलब सिंपल तौर पर हम बात करें किसी लिक्विड सरफेस में आपके किसका, कोई आयन मॉलिक्यूल और डिजॉल्व्ड सॉलिड का सरफेस में एडहेशन होना, अटैच होना, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन जो है लिक्विड सरफेस में दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है ना।
Adsorption at liquid interface may be of two type, positive adsorption और second लिखना negative adsorption. Adsorption समझ लें इसको. Positive adsorption में लिखना molecule, यहां समझ लें एक बार देख लें. जैसे आपका ये एक बीकर है, इसमें क्या है, लिक्विड रखा हुआ है, ये लिक्विड है और जो भी मॉलिक्यूल है आपके, जो आयन है, वो सरफेस में जाके बस अटैच होते हैं, ठीक है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल पार्टीशन इन द फेवर ऑफ सरफेस, ओनली सरफेस में आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. लिख लें मॉलिक्यूल पार्टीशन इन फेवर ऑफ सरफेस और इंटरफेस. मॉलिक्यूल पार्टीशन या मॉलिक्यूल एडहेर टू द सरफेस और इंटरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. अब ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन से बेनिफिट क्या मिलता है, ये आपका क्या कर देता है, रिड्यूस करता है सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन. सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. और नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जनरली जो मॉलिक्यूल है आपके, जैसे ये लिक्विड है, तो वो उसके बल्क तक में पार्टीशन हो जाएगा उसका, ठीक. यदि सरफेस में ना होके इंटरफेस में ना होके मॉलिक्यूल द पार्टीशन ऑफ मॉलिक्यूल इज बीइंग टेकन प्लेस इन बल्क, तो इट इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल का पार्टीशन होना ओनली सरफेस में, यहां पर बल्क में पार्टीशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है ना. और इस केस में क्या होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन में सरफेस टेंशन और उसका वो रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज सरफेस टेंशन. यहां पर क्या होगा, सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो साथ में क्या डिक्रीज होगी, सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी. और ये कौन करेगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, सरफेस एक्टिव एजेंट. एग्जांपल में आप क्या लिख लेंगे, सरफेस एक्टिव एजेंट. ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन देते हैं. सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, ये किसी भी लिक्विड के सरफेस में एडहेर हो जाते हैं और उसके सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे उसकी सरफेस फ्री एनर्जी कम हो जाती है, जिससे उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं एग्जाम में, ऐसे बस सुनना नहीं है कान खोल के, ठीक है ना. ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, क्या कि सरफेस एक्टिव एजेंट एडहेर हो जाता है टू द सरफेस और इंटरफेस ऑफ लिक्विड. इससे क्या होगा, इट रिड्यूस द सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन. सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन जब भी कम होगा, इट विल रिड्यूस सरफेस फ्री एनर्जी. व्हेन सरफेस फ्री एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड ऑफ एनी पार्टिकल्स, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम. उस डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक. एग्जाम्पल सरफेस एक्टिव एजेंट पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का. एग्जाम में पूछा जाएगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कौन से मॉलिक्यूल देंगे, तो सरफेक्टेंट. नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल पार्टीशन टू द बल्क, और ये क्या करेगा, स्लाइट इंक्रीज इन सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन. यहां पर मॉलिक्यूल हो जाएंगे कौन से आपके, लाइक ग्लूकोज, आयन लाइक NaCl, ये आपके क्या देंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन. ये सरफेस फ्री एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे और स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे. आया समझ में? So this was about the adsorption at liquid interface. अब हम पढ़ेंगे adsorption at solid interface. Adsorption at solid interface, और इतनी terms को हमको समझना है यहाँ पर, बस आपका ये unit क्या हो जाएगी, end हो जाएगी. इसमें लिखना adsorption, फिर आपका adsorption क्या है, surface phenomena है, ठीक है ना. When the molecule of gas or liquid, ठीक है ना, adhere to the solid surface, it is called the adsorption at solid interface. Adsorption at solid interface. Accumulation of gas or liquid to solid surface. Accumulation of liquid or gas to the solid surface.
इट इज कॉल्ड द एडसॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस. नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे कि जो आपका एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट को डिफाइन कर दें. ठीक, एडसॉर्बेंट क्या होगा आपका, मटेरियल यूज टू एडसॉर्ब गैस, जो भी मटेरियल होगा जिसमें कि गैस एडसॉर्ब होगी. ठीक है ना, मटेरियल यूज्ड टू एडसॉर्ब गैस. आप डेसिकेटर यूज करते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उसमें यूज करते हैं, कभी किया है प्रैक्टिकल में? या जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उनको जब हम किसी चीज से मॉइस्चर को निकालना होता है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को उसके चारों ओर रख देते हैं और उस कोई भी मटेरियल को उसमें रख देते हैं तो उसका जो भी मॉइस्चर होता है वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट एड्सॉर्ब कर लेता है. ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट हो गया. जो भी मॉइस्चर को या गैस को एड्सॉर्ब करेगा सरफेस में वो क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेंट. एंड सब्सटेंस बींग एड्सॉर्ब, और जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट. मतलब गैस क्या कहलाएगी आपकी, जो गैस जो कि एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड सरफेस में वो क्या कहलाएगी आपकी, अब किसी सरफेस से एड्सॉर्ब जो एड्सॉर्बेट है उसका रिमूव होना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट. ठीक, तो इसको हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन. फिर नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस मे बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप का हो सकता है. फर्स्ट आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन और सेकेंड आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और केमिकल एड्सॉर्प्शन में हम क्या क्या बताएंगे, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा दैट वुड बी द इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड एंड गैस बिकॉज ऑफ द वीक बॉन्ड्स. ठीक है ना, दैट इज वंडरवॉल्स फोर्स. और इस तरीके का जो एड्सॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा. इस तरीके का रिवर्सिबल क्या होगा, रिवर्सिबल होगा. और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आपके जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, केमिकल बॉन्ड्स होंगे और जनरली क्या होगा, ये इरिवर्सिबल होगा. एप्लीकेशन लिख लें, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशन क्या है. फिर उसके बाद में लास्ट आपका 2-3 मिनट का एक टॉपिक बचेगा, दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. उसको हम समझ लेंगे कि बेसिकली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या. एग्जाम में आपसे आ जाए और बुक्स वगैरह पढ़ो तो आपको समझ में आए कि उसमें पढ़ना क्या है और लिखना क्या है. एप्लीकेशन में फर्स्ट लिखना डी कलरिंग सॉल्यूशंस. जो एड्सॉर्बेंट होते हैं वो डी कलरिंग ऑफ सॉल्यूशंस में यूज होते हैं. फिर एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में एड्सॉर्बेंट यूज होते हैं या एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस यूज होती है. सुना है एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी वर्ड सुना है? क्रोमैटोग्राफी एक सेपरेशन की टेक्निक होती है. क्रोमैटोग्राफी क्या है, आपके प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करने की टेक्निक होती है या अलग अलग कॉम्पोनेंट को सेपरेट करने की टेक्निक होती है जिसको हम एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी. फिर डिटर्जेंसी, और कई सारे ड्रग के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं वो एड्सॉर्प्शन बेस्ड होते हैं. ठीक है ना, जैसे चारकोल हो गया. ठीक, कई बार पॉइजनिंग में चारकोल को भी दे दिया जाता है स्टमक में कि वो क्या करता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेता है. फिर नेक्स्ट लिखना आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन
आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या बताया गया है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू द सॉलिड सरफेस, ठीक है ना, बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या चीज बताया गया है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू सॉलिड सरफेस एंड प्रेशर। ठीक, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो दो चीजों के बीच में इसमें बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल या गैस का कितना कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब होती है विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर, एक इक्विलिब्रियम प्रेशर अप्लाई करने से एडजॉर्प्शन ऑफ गैस के मॉलिक्यूल में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज बताई गई किसमें, आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। अब इसको अलग अलग लोगों ने एक्सप्लेन कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा गैस के मॉलिक्यूल, जनरली प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एडजॉर्ब, जो एडजॉर्बेंट है उस पर एडजॉर्ब होंगे ही होंगे डेफिनेटली। तो इसको एक्सप्लेन किया आपका फ्रेंडलिच ने, स्पेलिंग थोड़ा सा ये लिखना, क्वेश्चन कई बार आ जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने क्या एक्सप्लेन किया, उसने इसी चीज को बताया कि आपका प्रेशर के कारण इक्विलिब्रियम प्रेशर में जो गैस के मॉलिक्यूल है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में उसका एडजॉर्प्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो फ्रेंडलिच ने बताया तो उसका नाम क्या पड़ गया, हाँ, अब उसने क्या कहा, उसने उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, लिख लें उसको, y इज इक्वल x अपॉन m ठीक, y क्या है ये लिख लें, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट वेट ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट वेट ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जो आपका ये एडजॉर्बेंट के पर यूनिट एरिया में, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ में कितना अमाउंट, कितना मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब हो रहा है उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये निकालना है। मतलब फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने क्या बताया, फ्रेंडलिच ने यह बताया कि अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ ऑफ वेट ऑफ एडजॉर्बेंट, जो पर यूनिट वेट ऑफ एडजॉर्बेंट है उसके पर यूनिट में कितना गैस का जो मास है, अमाउंट है, वो एडजॉर्ब हो रहा है, ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन ने एक्सप्लेन किया। तो उसके लिए उसने क्या बताया, ठीक है ना, x अपॉन m, लिख ले x की वैल्यू, लिखे x क्या है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, ठीक है ना, y क्या है हमारा, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ गैस पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, और एक्स क्या है, मास ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितना एब्सॉर्ब्ड हुआ है ये, फिर एम लिख लेना, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, एम मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, के और एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, के एंड एन कॉन्स्टेंट, एंड पी क्या है आपका, प्रेशर, P क्या है, प्रेशर। यदि लॉग अप्लाई कर दें एप्लीकेशन में, यदि इसके इक्वेशन में लॉग अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये लॉग y, लॉग x y m 1 by n log k p, log x y m equal, यहां सॉरी log k
प्लस 1 बाय एन लॉग पी, ठीक। एक्स वाई एम किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, एम आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो उसने क्या किया, एक ग्राफ भी बनाया आपका लॉग पी और लॉग एक्स वाई एम के बीच में। तो उसने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन या स्लोप इस तरीके से मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस ये इसमें बताना है, आया समझ में। जनरली यदि हम बात करें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है कि आपका कोई सॉलिड सरफेस है, मान के चलो एड्सॉर्बेंट है, तो एड्सॉर्बेंट में गैस क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। तो उसमें प्रेशर का क्या रिलेशनशिप होगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में, ये कहलाता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने क्या बताया कि जो आपका मास ऑफ गैस है, ठीक है ना, कितना पर यूनिट वेट ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के पर यूनिट वेट में कितना मास गैस का एड्सॉर्ब हो रहा, उसको फ्रेंडलिच ने एक्सप्लेन किया। तो उसको क्या बोल दिया हमने, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आया समझ में, ठीक। तो ये एग्जाम में जनरली एड्सॉर्प्शन पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसा आ जाता है साथ में फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करें। तो कुछ नहीं है, आपका ये जो रिलेशनशिप है आपका एड्सॉर्प्शन बिटवीन द ऑफ गैस मॉलिक्यूल और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप उसको बताना है और ये इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।